सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करेंगे भाई, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे जो थे, जो रह गए थे, ठीक है। उसके आगे आज हम लोग डायरेक्टली मैं PYQ पे आता हूँ, और बीच बीच में जो कुछ क्वेश्चन, जो कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे रिक्वायर्ड होगा आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है वो, तो मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। ओके, सो हम लोग ने कल क्या क्या देखा था एक बार जस्ट, है ना, हम लोग क्विकली देख लेते हैं भाई। कल हम लोग पीरियड्स के बारे में हम लोग बेसिकली देखे थे, एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी चीजें देखी थी, ठीक है। पीरियड्स का देखा था, एंड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एक रह गया है। सो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है, वो भी कर लेंगे, मतलब सिंपल सा है यार। और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि भाई, जैसे मान लीजिए हम लोग ना कह लेते हैं ऐसा कुछ कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो गया, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को फंक्शन फॉलो करेगा तो इसको यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना एफ एक्स, ये होगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये देख के पता चल रहा है भाई, ठीक है, कि यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई होता है, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा तुरंत। वैसे ही हो सकता है सर कि एफ ऑफ एक्स एंड इंटू वाई जो रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो, ठीक है। तो इस केस में कंडीशन अलग, फंक्शन अलग होगा। सो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, मतलब सर एफ ऑफ, ठीक है। तो यही वाला नहीं, मैं और भी डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। हम लोग आएंगे ना अलजेब्रा फंक्शंस पे, तो वहां पे हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है भाई, फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का होता है, तो ये दो ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन वाले। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। आज का सबसे पहला सवाल, और ये आपके एमपी के सीईटी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। सो एमपी के सीईटी में सवाल पूछा है, क्या पूछ रहे भाई, दिया है तुम्हारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, रूट एक्स है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट एक्स, करेक्ट। तो फाइंड करना है आपको एफ ऑफ 25, तो चलिए जो भी चीजें फाइंड आउट करनी है मैं उसको यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ रूट 25 क्या होगा सर, ये हो जाएगा, सॉरी 25 क्या होगा, रूट 25 मतलब 5 हो जाएगा, ओके। और एफ ऑफ 16 क्या आएगा, तो इसको तो डायरेक्टली 4 लिख लेंगे, कोई भी बच्चा लिख लेगा, है ना। एफ ऑफ 1 क्या आएगा सर, ये 1 आएगा। सोचो ना कितना सिंपल सा सवाल पूछ रहा है यार। तो ये बोल रहा है 5 अपॉन 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 नहीं आएगा क्या, है ना, करेक्ट है ना। तो अब और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हलवा सवाल क्या हो सकता है, और करेक्ट। अभी भी किसी को कोई शक है तो बताएंगे आप। क्लियर है, तो सर इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं, इसके आगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम लोग। हाँ जी, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं था सर इसमें, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं समझिएगा, सिर्फ सवाल को समझना है, ध्यान से पढ़ना है, उसको रीड करना है और सॉल्व कर लेना है। फंक्शन है r टू r है, ये जो लिखा रहता है ना f such that r टू r, मतलब ये बोल रहा है कि इसका जो ये है ना डोमेन रियल नंबर का सेट रहा होगा, और इसका जो रेंज भी रहा होगा ना वो रियल नंबर का सेट रहा होगा, ठीक है ना, ओके। सो डोमेन और रेंज ऐसा है रियल नंबर के सेट में है। So, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एफ ऑफ माइनस वन, पहले जो फंक्शन दिया है उसके बारे में जरा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली करने के लिए सोचूं तो इसको हार्डली मुझे 10 सेकंड्स लगेंगे निपटाने में, लेकिन आपको समझाते हुए करना है मुझे। सो एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए बोल रहा है बेटा, और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर कब, जब आपका एक्स का वैल्यू 1, 2, 3 के बीच में होगा, ठीक है, और ये 3x होगा व्हेन इट इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 3 इंटरवल में ना फंक्शन को अलग अलग बाइफरकेट किया है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस वन, प्लस चाहिए एफ ऑफ 2 एंड प्लस चाहिए एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ माइनस वन कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा सर, एक्स लेस देन 1 इसमें लाई करेगा। सो यहाँ पे फंक्शन 3x इस्तेमाल करोगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1, करेक्ट है, एंड प्लस नेक्स्ट एफ ऑफ 2 बोल रहा है, तो 2 कहाँ पे लाई करेगा बेटा सर, 2 तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 इसमें लाई कर रहा है, ठीक है।
माइनस वन किसमें लाइक गया था सर, माइनस वन इसमें लाइक गया था, ठीक है। तो टू इसमें अगर लाइक कर रहे हैं तो आप इस यहाँ पे सीधा एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे आप टू रख लीजिए, और ये फोर बोल रहा है, फोर कहाँ पे है सर, तो फोर एक्स ग्रेटर देन थ्री मतलब फोर यहाँ पे लाइक करेगा, तो यहाँ पे टू इंटू फोर कर लीजिए, सही है। तो क्या आएगा बताएंगे जैसा, कैलकुलेशन कर लीजिए आप, माइनस थ्री एंड प्लस फोर एंड प्लस एट, क्या आएगा बेटा, माइनस थ्री प्लस फोर आएगा सर वन, और वन एट वन नाइन होता है, पूरी दुनिया जानती है ना, देर इज नो पावर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, नो पावर है ना, बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए। सो इस तरह से सवाल हमारे पास पूछे जाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे भाई, है ना। एनीबडी हैज एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या सर ऐसे सवाल सच में पूछता है क्या भाई, ये जो दिख रहा है तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ये कर्नाटका में आया होगा, ठीक है। हम लोगों के पास एमएसटी सीटी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, है ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना, वहाँ पे भी आएंगे तो वहाँ पे भी पता चलेगा सर, वहाँ का भी वो जो लेवल होता है ना कोई खास नहीं होता है, मतलब कुछ उतना ज्यादा नहीं होता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओ, सिंपल सा रहता है, ठीक है। सो हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे बच्चे लोग, ठीक है, एंड चलो आगे बढ़ेंगे हम जरा, अभी बताया नहीं आपको मैंने। हाँ जी, अगला सवाल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दिया है हमारे पास अभी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया भाई, एफ ऑफ एक्स दिया है कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स दिया है, करेक्ट है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स दिया है ये, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा सर, ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है, ओके, कॉस ऑफ लॉग वाई हो जाएगा। एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई ये क्या होगा, तो जहां जहां पे x है वहां पे आप एक्स वाई रख लीजिए, ठीक है, cos of log of x upon y रख लीजिए, ठीक है, और f of x into y भी दिया है, so f of x into y क्या होगा भाई, ये हो जाएगा cos of log of x into y रखोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है सिंपली, है ना, तो cos of f of x into f of y क्या होगा, रख लीजिए cos of log x एंड इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई लिखोगे, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं भाई, माइनस है सर, माइनस है, माइनस वन बाई टू, ध्यान से देखेंगे जरा, एफ ऑफ एक्स बाई वाई है ना, तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई मतलब ये कॉस ऑफ, अगर प्रॉपर्टी मैंने अगर अप्लाई किया तो लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है, ठीक है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है, और बीच में सर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई होता है। अब जरा ये वाला ब्रैकेट देखना, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्या है, कॉस ए माइनस बी एंड प्लस कॉस ए प्लस बी है, तो ये होता है टू कॉस ए कॉस बी होता है, ठीक है, सो टू कॉस लॉग एक्स एंड इंटू कॉस लॉग वाई हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर पाओगे टू टू को, ये कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, तो अगर इन दोनों को भी कैंसिल कर लोगे तो बचेगा क्या, जीरो बचेगा, ठीक है, राइट ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जीरो, मतलब इसमें से ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें हमारा किया गया, करेक्ट है, ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट, नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करके मुझे अगर इसका आंसर बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एफ एक्स दिया है बच्चे, ठीक है, और तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, जस्ट ट्राई टू वन, आपको एक दो मिनट का टाइम देता हूं मैं, ये दो मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, ये ट्राई करिए इसको।
आया किसी भी स्टूडेंट का आंसर इसका? देखो करना क्या है इसमें, है ना, अब आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो आप पहले लिख लीजिए भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखना है आपको, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या लिखोगे बच्चे? सर ये एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस माइनस एक्स है, ठीक है। सो इसको लिखा जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक है, एंड अपॉन टू, करेक्ट है, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख लीजिए, करेक्ट है। सो हाँ जी ऑल राइट, तो हाँ नेक्स्ट, अभी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस वाई सर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या होगा भाई, ये होगा सर ए टू द पावर एक्स माइनस वाई एंड प्लस ए टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, एंड अपॉन टू। तो आपसे कुछ कह रहे हैं इन दोनों का समेशन, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप, ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए आप, तो नीचे में तो टू कॉमन है, लिख लीजिए आप कॉमन पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई आएगा एंड प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ना, इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं सिर्फ, एंड प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई एंड प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रेक करोगे तो ये ऐसा होगा। अब सिर्फ समझने की बात क्या है यहाँ पे कि सर यहाँ पे ना हम लोग अंदर में जो टर्म है ना इसको फैक्टराइज करते हैं, जरा सब ध्यान से देखिएगा कि अगर ये यहाँ पे और यहाँ पे देखा गया, ठीक है, तो अगर इसमें से इन दोनों में से हम लोगों ने ए टू द पावर एक्स अगर कॉमन लिया बच्चे, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास? सर बचेगा यहाँ पे ए टू द पावर वाई बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ए टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, कुछ कॉमन तो दिख रहा है ना, इन दोनों में ए टू द पावर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस एक्स है कॉमन, ठीक है, यहाँ भी माइनस एक्स है और यहाँ भी माइनस एक्स है। सो सर ए टू द पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिया गया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा ए टू द पावर माइनस वाई एंड प्लस ए टू द पावर वाई बचेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अगले स्टेप का काम क्या होगा भाई? सो वन बाई टू हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट तो दोनों सेम है, सो फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग करते हैं तो कॉमन लेते हैं, वैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एक्स एंड प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, ऑलराइट। सो व्हाट नेक्स्ट सर? सो अभी करना क्या है, अभी जैसा सोचेंगे कि अगर आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स ये वाला टर्म दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या आप एफ ऑफ वाई को नहीं लिखोगे ऐसा ए टू द पावर वाई एंड प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बाई टू? सही है, करेक्ट है। तो आप एक काम करें सर, यहाँ पे कमी किसकी है? सर कमी है टू की, तो टू हमारे पास है क्या? एक टू है, लेकिन ये प्रोडक्ट में ना तो दो दो हमें चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है, हमें डबल टू चाहिए हमें, ठीक है। सो सर डबल टू कहाँ से आएगा? कोई दिक्कत नहीं सर, आप वन बाय टू रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और एक काम करिए ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई एंड अपॉन टू, ठीक है, एंड इन टू ए टू द पावर एक्स एंड प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स एंड अपॉन टू। मतलब बेसिकली क्या किया आपने, टू टू से फोर, फोर से डिवाइड किया तो फोर से मल्टीप्लाई भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये तो तुम्हारा एफ ऑफ वाई है, और ये क्या है, ये तो सवाल में दिया हुआ एफ ऑफ एक्स है, तो और ये फोर और ये टू कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचेगा टू टाइम्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई, सही बात है कि नहीं, राइट। सो ये आ गया तुम्हारा टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, देखते हैं, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यस, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर? क्वेश्चन अच्छे विजिबल नहीं, ओके ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इनलार्ज कर दूंगा भाई, ठीक है, दिखेगा तुम्हें, क्लियर दिखेगा, ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम्हें, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल हमारे पास है ये एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, और एफ अच्छा एफ ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे करना क्या है सर, यहाँ पे काम करना क्या है, काम आपको जहां जहां पे एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन दिया है, तो पहले क्या दिया, क्या हमारे पास एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या है लॉग में दिया है, टर्म क्या है हमारे पास, दिस इज वन प्लस एक्स एंड अपॉन वन माइनस एक्स, राइट। सो इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स इज दिस थिंग, देन वाई वॉट वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सर। तो सर एक काम कर लीजिए आप, ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी एक्स है ना, आप हर एक्स की जगह पे आप ये रख लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या,
वन, क्योंकि ये एक्स है तो आपने एक्स लिखा है, तो जब ये टू एक्स प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप एक्स की जगह पे आप वो टर्म सब्सटीट्यूट करोगे, सो टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड नीचे क्या होगा भाई, वन माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया सर। व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा भाई तुम्हारा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस टू एक्स रहेगा, ठीक है, और नीचे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर का टर्म और ये न्यूमिनेटर का टर्म, तो आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास सिर्फ फाइनली, तो आपके पास बचेगा सिर्फ ऐसा लॉग ऑफ, अब यहाँ पे अंदर में आइएगा सर, इस ब्रैकेट के बारे में सोचो, ठीक है, ये तो सर ये वन प्लस एक्स का पावर टू है, और ये सर ये तो वन माइनस एक्स का पावर टू है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर ये वाला ऐसा लिख रहे हो तो बेहतर इसको इस तरह से स्टेप टू, अगेन सर स्टेप टू कौन सा है भाई, स्टेप टू कौन सा है पता नहीं मैं, स्टेप वन टू कौन सा होता है, स्टेप वन ये, स्टेप टू ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें किया क्या है भाई, एक्स की जगह तो पहले रख लिया है, उसके बाद एलसीएम लेना तो जानते हो भाई तुम, वन प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम लोगे भाई तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया वन के साथ में, और नीचे में एलसीएम तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और ये जो भी था वैसा रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया सेट पूरा, अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे काम क्या करना है, ये है पूरा लॉग ऑफ एज वन प्लस एक्स एंड अपॉन वन माइनस एक्स द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या है भाई, ये सर ये आगे ना ये टू है, ठीक है, तो टू को आगे पावर में और ये लॉग का टर्म है, तो टू आगे आ जाएगा, टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। और ये था सर एफ ऑफ एक्स, सो ये आर आंसर शुड बी टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, सो वी नीड टू चेक, यस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज देयर, है ना। चलो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज देयर, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, अगले सवाल पे आएंगे, अगले सवाल पे। हाँ अब ये देखिए आपके एमएसटी सीटी में पूछा हुआ है भाई, ठीक है, एमएसटी सीटी में पूछा हुआ है, हम लोगों ने कल ही ये वाला डिस्कस किया था, है ना, कि फंक्शन ऑड कब होता है, फंक्शन इवन कब होता है, राइट। तो अभी हमें बताना है इसमें से कि कौन सा फंक्शन भाई यहाँ पे इवन फंक्शन है। सो इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इवन फंक्शन का डेफिनेशन होता है सर एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी एफ ऑफ एक्स, करेक्ट है। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखा और वही आएगा, तो दिख रहा है सर ए होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेचारा, ये हमेशा ऐसे रहेगा, इसमें साइन में ऑड निकल के आएगा बाहर, तो ये तो नाइदर ऑड नॉर इवन, ये भी नाइदर ऑड नॉर इवन, ये भी नाइदर ऑड नहीं, ये हो जाएगा ऑड, ये वाला ऑड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड है, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड क्या होता है भाई, ऑड होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सर इवन फंक्शन, सो इवन फंक्शन ए, करेक्ट, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत दिस इज प्लस वन, ओके। सो माइनस एफ ऑफ एक्स ये ऑटोमेटिक ये प्लस ही आएगा, अगर नेगेटिव इन केस वैसा आ रहा है तो उस केस में लॉग में कभी वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, हाँ अभी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं तुम्हें, डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ये समझना है अपने को, डोमेन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, बताया था कि जब भी तुम्हारे पास फंक्शन है ना स्क्वायर रूट के अंदर आए, या इनफैक्ट इवन रूट हो, क्या हो, इवन रूट हो, तो जब भी इवन रूट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस सिक्स, ये होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या करोगे भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ये वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, क्यों, क्योंकि लॉग ऑफ वन का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और बेस कुछ नहीं मेंशन किया, मतलब ई रहा होगा, तो बेस जब वन से ग्रेटर है और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस सिक्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है।
सो यहां से आप क्या करोगे, आप यहां से लिखेंगे आप फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस फाइव, दिस शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो अभी इसको फैक्टराइज कर लो भाई तुम, तो एक्स माइनस टू एंड नहीं एक्स माइनस टू नहीं एक्स माइनस फाइव एंड इंटू एक्स माइनस वन कर लो, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब जरा सा इसको नंबर लाइन पे दिखा लो, यहाँ पे वन कह लो और यहाँ पे फाइव कह लो, किसी भी वेवी कर्व मेथड शायद आता होगा तुम्हें, ठीक है, किसी भी इंटरवल में चेक कर लीजिए, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो जीरो किस में आएगा, जीरो सर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन वाले में। तो अगर हम लोग इस इंटरवल का कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने जीरो रखा सपोज, ठीक है, जीरो मतलब किस में रखा, जीरो रखा हमने इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा, जीरो रखने पे ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस फाइव, मतलब इसमें क्या आया पॉजिटिव आया, तो इसमें आएगा नेगेटिव और इसमें आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर पॉजिटिव वाला। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू वन हो जाएगा और यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर सी, है ना, सी आपके पास वहां पे प्रेजेंट है, ओके। तो किस तरह से डोमेन फाइंड आउट करें, डोमेन जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले टर्म आए, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले जब टर्म आएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स जब रहेगा तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके लेना है, राइट है, ओके। और जो भी ऑपरेशन अभी यहाँ पे लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें जाननी पड़ेगी भाई, लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें आनी चाहिए तभी इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी बेसिक तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर से डोमेन पे ही है और फिर से लॉग इसमें इन्वॉल्व है, करेक्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, है ना, इज, अभी आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है, देखो अरे सेम ही क्वेश्चन आ गया लगता है ना, सेम ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन, अभी ये आईटी स्क्रीनिंग मेंस में पूछा हुआ है, यूपी की जो सीटी होते हैं वहां पे पूछे हुए हैं। सो अभी ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, है ना, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभी दो दो टर्म है आपके पास, डबल डबल यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कभी भी जब फंक्शन लिखते हो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो भाई, जी ऑफ एक्स नेवर इक्वल टू जीरो, है ना, तो जी ऑफ एक्स नेवर इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस टू जो है ना, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस वन एंड इंटू एक्स प्लस टू आएगा भाई, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए माइनस वन और माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस वन और माइनस टू हमें नहीं चलेगा, ओके। तो अभी ये एक कंडीशन हमारे पास, सिर्फ एक कंडीशन है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आएंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारा, लॉग के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा सर, ठीक है, इसके ऊपर आपने सारा कंडीशन अप्लाई कर लिया, सिर्फ डिनोमिनेटर का पार्ट आपको जीरो नहीं चाहिए, सो आपने अप्लाई कर लिया। अब लॉगरिथमिक का पोर्शन जो बच गया, इसका इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, कि जब भी आप लॉग ऑफ एक्स लिखते हो, ठीक है, तो एक्स के लिए कंडीशन होता है कि एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सो एक्स प्लस थ्री यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए भाई, माइनस थ्री होना चाहिए, सही है ना, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आ गए। अब चलिए नंबर लाइन पे लेके आता हूँ आपको, नंबर लाइन की हेल्प से अगर आप फाइंड आउट करेंगे इंटरवल्स तो आपको इजिली पता चलेगा, ठीक है। सो ग्रेटर देन माइनस थ्री, सबसे पहले आप चलो नंबर जो है ना आपके पास उनको मार्क कर लीजिए, नंबर कौन कौन से हैं सर, हमारे पास माइनस वन है, माइनस टू आया है और माइनस थ्री आया है, सो हम लोग मार्क कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। माइनस थ्री सबसे छोटा वाला नंबर है, सो माइनस थ्री यहाँ पे ले लिया, फिर माइनस टू यहाँ पे ले लिया और माइनस वन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस तरह से कर लिया हमने। तो अब कह रहे हैं हमें हमें जो नंबर आया है, हमें जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या है, ग्रेटर देन माइनस थ्री आया है, और इक्वालिटी ये क्या नहीं है सर, तो ग्रेटर देन माइनस थ्री मतलब बोले तो कैसे, तो थ्री माइनस थ्री से राइट हैंड साइड पे जाओगे तुम, ठीक है, थ्री से राइट हैंड साइड पे जाओगे, लेकिन इसकी खासियत होगी कि थ्री को नहीं लेके चलोगे तुम, ठीक है, थ्री को लेके नहीं चलोगे, क्यों लेके नहीं चलोगे भाई, क्योंकि सर इसलिए लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, है ना, और इसके आगे पूरी दुनिया। बट सवाल फिर से आ जाता है सर, क्या माइनस वन और माइनस टू होगा, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, ग्रेटर देन माइनस थ्री, सो इट इज कवरिंग माइनस टू एंड माइनस वन ऑल्सो, है ना, माइनस थ्री से बड़े भी जा रहे हो तो माइनस टू और माइनस वन बीच में आ रहे हैं,
लेकिन ये बोल रहा है कि ये दोनों नहीं चलेगा, तो ठीक है ना, नहीं चलेगा तो हटा लीजिए, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो आपको ये दिखा लेना कि भाई ये पॉइंट नहीं चाहिए और ये पॉइंट भी नहीं चाहिए, तो आपके पास आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अब मैच करा लीजिए भाई, माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, पहले शुरुआत से देते हैं, ठीक है, ओके। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू, नहीं यार गलत बात है, ये नहीं, माइनस टू को छोड़ के मतलब इसके पहले वाले भी चलेंगे, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके बारे में सोचो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये भी नहीं होगा, ऑल रियल नंबर मतलब इधर वाले आएंगे तो ये चलेगा नहीं। अब ये डी वाला हो सकता है भाई, हो जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है आपका थ्री टू इन्फिनिटी चाहिए, है ना, माइनस थ्री टू इन्फिनिटी चाहिए, और वही कह रहा है ना हमें माइनस थ्री टू इन्फिनिटी चाहिए, देखो राइट साइड पे पूरा जा रहा है, सो माइनस थ्री टू इन्फिनिटी सही बात है, ये वाला पहला इंटरवल आपका सही आ गया, ठीक है। और इसकी ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सेप्ट माइनस वन एंड माइनस टू, ठीक है, तो एक्सेप्ट माइनस वन एंड माइनस टू, ये भी सही है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई बिलीव समझ में आ गई होगी बातें, है ना, आगे बढ़ेंगे, मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ सही तरीके से हमें सिर्फ करना होता है, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे कह रहे थोड़ा सा ग्राफिकल, यहाँ पे आपको कुछ बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y equals to f of x is symmetrical about the line x equals to 2, then, अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं भाई, सबसे पहले तो ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगा इसके बारे में सोचने के लिए और इसके बारे में समझने के लिए, ठीक है। x equals to 2 लाइन कहाँ होगा बेटा, सर पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जो 2 और 0 से पास करेगा, कुछ ही हो, ठीक है, ये वाला। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू, देन, अब सर अब देखो बेटा सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, सिमेट्रिकल है x इक्वल्स टू के अबाउट, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ना इसके अबाउट सिमेट्रिकल है x इक्वल्स टू के, सिमेट्रिकल मतलब सर अगर मान लीजिए कि इधर का ग्राफ ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो इधर का भी ग्राफ ऐसा ही रहा होगा, करेक्ट है कि नहीं है, राइट ना भाई, इधर का भी ग्राफ ऐसा ही रहा होगा, ओके, तो सर ये सिमेट्रिकल हो गया, मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, कहना ये चाह रहे हैं कि अब 2 से प्लस साइड पे जाएंगे और 2 से माइनस साइड पे जाएंगे, ठीक है, दोबारा, हाँ 2 से अब आगे जाएंगे, जैसा ग्राफ का नेचर होगा वैसा ही 2 से पहले आएंगे तो वैसा ही ग्राफ का नेचर होगा, ठीक है, क्लियर है, मतलब सर ये कौन सा हो सकता है, अरे भाई साहब बी बोल रहा है कि मैं वैसा ही हूँ कि f of 2 plus x जो रहेगा, है ना, 2 plus x करो और f of 2 minus x करो तभी तो ग्राफ आपका सिमेट्रिकल आएगा, राइट ना, इन अदर केसेस इट इज नॉट पॉसिबल, इन अदर केसेस इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन मेक देम सिमेट्रिक, राइट है, सो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सिमेट्रिकल बोल रहा है, तो जिस भी लाइन के अबाउट, जिस भी लाइन के अबाउट है काम कर लीजिए आप, बात समझ में आई सारे बच्चों को, आई होप इट इज क्लियर, नेक्स्ट, ओके, अगला सवाल है फिर से आपके पास, डोमेन का एक सवाल है, डोमेन पे बहुत सवाल पूछते हैं बच्चे, ठीक है, डोमेन आपका बहुत पक्का होना चाहिए, बहुत पक्का, तो डोमेन का दो तीन चीजें ही हैं, देखिए क्या क्या अप्लाई करना होता है डोमेन में, मैं एक बार बता दे रहा हूँ भाई, है ना, दोबारा बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, बट स्टिल सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास लॉग वाली टर्म है तो याद रखेंगे, अगर मान लीजिए लॉग ऑफ ए टू द बेस बी ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, तो ए पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना होता है, ए पे कंडीशन तुम्हें अप्लाई करना होता है कि ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और बी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और बी इक्वल्स टू वन कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये तीन कंडीशन हमेशा आपको अप्लाई करके चलना पड़ता है, ओके ओके, या फिर आप ऐसे के लिए बी ग्रेटर देन वन एक्सेप्ट b greater than 0 except 1, all right, tough लग रहा डोमेन, डोमेन तो टफ लगेगा ही क्योंकि डोमेन को पढ़ने के लिए बहुत बेसिक चाहिए, बहुत बेसिक चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी जो भी बता रहा हूँ ये वाला तुम्हें समझना होगा भी कि क्या बोला जा रहा है, किस तरह से हो रहा है ना, सो फंक्शंस में लॉग पढ़ना होता था जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, अभी यहाँ पे फिलहाल तो अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम लोग हर एक पॉइंट को उतना एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको समरी आपको बता दे रहा हूँ कि जब लॉग वाला फंक्शन आए और लॉग ए टू द बेस बी रहे तो आपको कंडीशन क्या क्या अप्लाई करना होता है, ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए और बी का वैल्यू कभी भी वन नहीं चाहिए, ठीक है, दूसरा चीज फंक्शन में तुम्हारे पास आता है जब स्क्वायर रूट में आ जाता है, ठीक है,
तो स्क्वायर रूट में रहेगा तो क्या करेंगे, फंक्शन को ग्रेटर देन जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। तीसरी चीज, जब एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में अगर ऐसे फंक्शन आ गया तुम्हारे पास, तो यहाँ पे अप्लाई करना है जी ऑफ एक्स भाई सब कभी भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीन टाइप के ही आपको फंक्शंस मिलेंगे जहां पे आपको डोमेन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप की चीजें आप, तीन कंडीशंस आप अप्लाई करना सिर्फ सीख लीजिए, अच्छे से याद रखिए, इसको दिक्कत नहीं होगी डोमेन फाइंड आउट करने में, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से करेंगे भाई, ठीक है, आराम से करते हैं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चीजें आपको कही गई है उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, सोचना है सिर्फ। सबसे पहला लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 है ना, अभी इसके बारे में सोचना है। पहले चीज तो सर की नीचे ये तो डिनोमिनेटर का फंक्शन आ गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली चीजें कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर लॉग जीरो कब होता है, लॉग जीरो, लॉग का वैल्यू जीरो कब होता है, जब ये वाला टर्म वन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 1 माइनस एक्स जो है ना बेटा, ये ना वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। मतलब यहाँ पे ऐसा कह सकते हो क्या, एक्स का जो वैल्यू रहेगा ना सर, ये जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सर अभी यहाँ से ऑप्शन डायरेक्टली हिट कर सकते हैं क्या, एक्सक्लूडिंग जीरो, देखो एक्सक्लूडिंग जीरो वाला एक ये भी है और एक ये भी है। तो अभी यहाँ पे अपने को ये पता चल चुका है, ठीक है, क्या पता चला है? कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा, करेक्ट है, ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा। तो अभी हमें चेक करना है कि सर ए या सी, अभी एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अब डायरेक्टली अगर चेक करना है बिना सॉल्व किए हुए, तो अब एक काम करो, ऑप्शन को पकड़ लीजिए, माइनस टू है, ठीक है, सो माइनस टू और वन के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, सपोज माइनस 1.5 बोल दिया हमने, ठीक है, माइनस 1.5 बोल दिया सपोज, है ना, माइनस वन पॉइंट फाइव बोलिए। तो अगर ये वाला लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 1.5, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये चलेगा भाई, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग अब इसमें आते हैं, जीरो से लेके वन के बीच आते हैं, ठीक है, जीरो से लेके वन के बीच हमने एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लिया, और यहाँ पे इक्वालिटी बोल रहा है, देखो यहाँ पे इक्वालिटी बोल रहा है, करेक्ट, यहाँ पे इक्वालिटी बोल रहा है। तो भाई जब ये वन के इक्वल ले लोगे तो ये क्या होगा, ये होगा ना जीरो हो जाएगा। चलो कंडीशन में अप्लाई करके दिखाता है, नहीं तो बोलोगे सर ये तो बाकियों के जैसे हो रहा है ना, यहाँ पे याद करना पड़ेगा। कंडीशन पहला हम लोगों ने अप्लाई किया कि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब है ना, ये वन माइनस एक्स वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सर लॉग पे आ जाइए आप, ठीक है, अब लॉग पे कंडीशन क्या अप्लाई करोगे भाई, कि वन माइनस एक्स कभी भी है ना ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स कभी भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए भाई, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है, एक्स लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा जरा सा, एक्स लेस देन वन बोल रहा है, अब यहाँ पे इक्वालिटी हो गया, मतलब ये तो कभी नहीं होगा भाई, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। फर्दर अगर आगे सॉल्व करना है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हमारा काम यहीं पे हो गया है तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बोल रहे एक्स लेस देन वन होना चाहिए, ओके, और ये कंडीशन हो गया, और एक ये रूट वाला बच गया, ठीक है, सो रूट वाले पे आओ भाई, x प्लस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू होना चाहिए भाई, ठीक है, ऑलराइट। सो अभी चलो एग्जैक्ट आंसर तुमको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला था कि भाई आपको डायरेक्टली अगर हिट करना है, टाइम सेव करना है, तो ये टाइम सेवर मेथड है कि आगे हम कैलकुलेशन नहीं किया, हमारा जो था आंसर मिल चुका है, ठीक है। बट अगर नहीं सर हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सर कि प्रॉपर चाहिए ना, माइनस टू है भाई तुम्हारा ये, और जीरो है और वन है, ठीक है, ये है। तो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक्स लेस देन वन चाहिए, है ना, सो एक्स लेस देन वन, वन से छोटा चाहिए, ठीक है, वन से छोटा चाहिए, वन इक्वल चाहिए क्या भाई, नहीं चाहिए, तो वन पे ऐसे दिखा दो, इसका मतलब वन को लेके नहीं चल रहा है, और वन से छोटू नंबर चाहिए हमें, ठीक है। और ये बोल रहा है कि दो से बड़े चाहिए और दो को लेके चाहिए, ठीक है, तो दो से बड़े नंबर और टू को इंक्लूड करके चाहिए बेटा, ठीक है, टू को इंक्लूड, आसमान में मत जाओ यार तुम, टू को इंक्लूड करके चाहिए, मतलब सर ये जो नंबर है ये वाला लेके चलना होगा हमें, बिल्कुल ये वाला लेके चलना होगा आपको, ठीक है, समझ में आ रही बात है। सो बेटा अभी एक बात बताएंगे, और बोल रहे हैं ना सर ये जीरो नहीं चाहिए, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा कंसिडरेशन है ना इसमें ना कहीं भी अपने को जीरो नहीं चाहिए, ठीक है,
ये इसका नामो निशान नहीं चाहिए भाई अपने को, ठीक है, ये अपने को नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो अब देखिएगा कि इसमें कॉमन चीजें क्या आई है ना, कॉमन चीजें जो दोनों इसका और इसका दिखाया हम लोगों ने नंबर लाइन पे, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कहाँ से कहां तक आएगा भाई, देखो जरा ध्यान से। सर ये कॉमन वैल्यू ना ये आ जाएगा, सिर्फ जीरो को छोड़ करके आएगा, ठीक है। तो कहाँ से आया भाई सर, ये माइनस टू से लेके माइनस टू पे क्लोज है क्या? हाँ जी सर क्लोज है। और वन पे क्लोज है क्या? नहीं सर यहाँ पे ओपन बोल रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर अगर आपको लिखना हुआ बेटा तो कैसे लिखोगे? सर एक्स बिलोंग्स टू वेयर फ्रॉम माइनस टू टू वन, ठीक है, माइनस टू टू वन पे ओपन इंटरवल बट एक्सेप्ट जीरो, ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है प्रॉपरली फाइंड आउट करने का, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है डोमेन, अभी फिर से डोमेन का, ये डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको परेशान नहीं करेगा, है ना, चिंता मत करिए। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, अभी दो बार लॉग बोल रहा है भाई, ठीक है, तो दोनों पे अप्लाई करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला हमें क्या चाहिए, सबसे पहला तो सर हमें ये लॉग है, ठीक है, फंक्शन दो है, सबसे पहले हमारे पास लॉग है, फिर से हमारे पास मॉड में, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है। अब ये मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब है कि ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर मतलब बेसिकली एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीरो से वन के बीच का भी वैल्यू चलेगा, क्योंकि जीरो से वन के बीच में वो नेगेटिव आता है, ठीक है, इस वजह से वो चलेगा। तो अभी हम लोग सोचेंगे आगे जरा सा, है ना सर, एक्स इस पे क्या अप्लाई किया जाए बेटा, ये वाले लॉग एक्स पे देखोगे तो एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए पहले तो तुम्हें, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो चलेगा? नहीं चलेगा, जीरो पे डिफाइन नहीं होता है लॉग, ठीक है। एंड दूसरा, अगर इस लॉग को डिफाइन करने चलोगे तुम तो तुम्हें चाहिए लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन ये पूरा वाला, है ना, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ठीक है, लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अच्छा सर अभी एक बात बताइए, लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, करेक्ट। मतलब सर यहाँ पे अगर क्यों आएगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, बस हाँ एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया कि एक्स पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन वन का मतलब क्या सर, मतलब ग्रेटर देन वन का मतलब एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉग कुछ भी नहीं लिया है, इसका मतलब लॉग ई रहा होगा बेस में, ठीक है, बेस में ई रहा होगा। सो एक्स ग्रेटर देन वन चाहिए और ये बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन वन और ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होगा भाई, है ना, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे, अभी आप आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीजें कह रहे हैं, हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन सा है, वन है सर और जीरो है, तो जीरो पहले दिखाया और वन दिखा दिया। पहला बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, इक्वालिटी इज नो वेयर, सो इक्वालिटी को आप इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है, मतलब हम लोग वहां पे वाइड क्रिएट कर देंगे। और ये बोल रहा है वन से बड़ा चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है वन से बड़ा चाहिए, तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई, कैसे होगा, अभी समझेंगे यहाँ पे दरसा। सर अभी यहाँ पे दोनों में कॉमन लेना है क्या, अभी ये सोचना है कि दोनों में कॉमन लेना है क्या, दोनों में कॉमन नहीं लेना है आपको, ठीक है, अभी सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि वन से लेके सॉरी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर चलेंगे, ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर चलेंगे, क्योंकि ये मॉड में है ना, ये मॉड में है, इस वजह से ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे डाल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जैसे हमने बोला कि अगर एक्स बिलोंग्स टू सपोज, है ना, अगर एक्स का वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच हो जाता है, ठीक है, तो ये निगेटिव आता है, ये निगेटिव आता है, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से अपने को कंडीशन के बारे में नहीं सोचना है। तो ग्रेटर देन जीरो कुछ भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ हमने ये भी दिखा दिया तो काम हो गया, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन वन चाहिए, इक्वल टू वन नहीं चाहिए, मतलब ये वाला सर अपने को छोड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सर अगर ये नहीं ले सकते हैं तो हमारा किस तरीके से यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब सिंपल है भाई, जीरो से वन ले लो भाई और यूनियन वन से इन्फिनिटी ले लो भाई, जीरो से वन तक का सारा नंबर रहेगा और वन नहीं रहेगा, और वन से आगे इन्फिनिटी तक सारा नंबर रहेगा, ठीक है, कोई है क्या यहाँ पे सर, है ना सर, सी इज द राइट आंसर, आई बिलीव दिस इज क्लियर, एंड अगर कोई डाउट रहेगा तो बोल दीजिएगा भाई। लॉग लॉग क्या होता है ना, दोबारा एक बार देखिएगा, लॉग ऑफ एक्स जो होता है ना भाई, अगर बेस में
ई हो, मतलब एक से बड़ा हो बेस, ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, कब, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, ये होता है निगेटिव, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, तो यहाँ पे हम लोगों ने जीरो टू वन के बीच में निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस हमारा काम आसान कर दे रहा है, तो इसके बारे में हमें सोचना एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मॉड्यूलस से, इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ऑलराइट, तो मतलब आप जीरो से बढ़ा लीजिए, है ना, आप और वन से बढ़ा लीजिए, तो उसमें अपने को इस इंटरवल के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज ये यहाँ पे मॉड्यूलस है, सो मॉड्यूलस विल मेक इट पॉजिटिव, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाँ अगला सवाल ये है भाई हमारे पास, अच्छा सेम टाइप का फंक्शन है, ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, लॉग में था वो वाला फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन लॉग में था, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था भाई, कि अगर इसमें, और ये भी लॉग में ही है, वहां पे डिफरेंस क्या था, सेक की जगह था खाली वहां पे साइन था, ठीक है, वहां पे साइन था, और जब हम लोगों ने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा था, तो ये क्या आया था भाई, ये आया था माइनस ऑफ, है ना, ये आया था माइनस, पूरा पूरी पूरी के बाहर ही माइनस आ गया था, लेकिन यहाँ पे सेक है, तो सेक माइनस को बाहर आने देगा, नहीं आने देगा सर, फंक्शन इवन हो जाएगा, बी इज द आंसर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप बी मार लीजिए आंसर इसका, सही है, नहीं, ओके ना, थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना भाई, कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो हम लोगों ने लिखा था वहां पे माइनस एफ ऑफ एक्स आया था, लेकिन वहां पे साइन था, तो साइन, जब साइन फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है भाई, लेकिन यहाँ पे सेक है, तो सेक क्या होगा, सेक प्लस सेक थीटा दे देगा, ठीक है, तो साइन ऑफ, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो फंक्शन इवन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसा लग रहा है 11th में ना बहुत कम बच्चे आ रहे हैं रिवीजन में, मुझे 12th का पोर्शन जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, बहुत लोग ड्रॉप कर दिए भाई 11th का, 11th को लोग मजाक में निकाल रहे हैं यार, 11th को मजाक में मत निकालो, 11th तुम्हारा मजाक में निकाल देगा फिर रिजल्ट, और ऐसा होता है ना, कम बच्चे रहते हैं तो मेरे को लेना बोर होता है, मतलब मजा ही नहीं आता यार, इट्स लाइक भाई, मतलब जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए वो चीज नहीं हो रही है, ज्यादा लोग रहते हैं ना तो ज्यादा डिस्कशन का स्कोप होता है, और मतलब मुझे भी टाइम देने में ना फिर मजा आता है, समटाइम्स तो यार मूड में आता है यार जाने दो, बंद करो इसको, इट्स लाइक दिस, बट स्टिल नहीं यार, मैं तो चालू रखता हूँ कि चलो ठीक है, हम लोग 12th का पोर्शन दे आएंगे, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं वहां पे कितने लोग आते हैं, अगर रहा रिस्पॉन्स ठीक तो करेंगे कंटिन्यू, अदरवाइज फिर हमें देखना पड़ेगा कोई अल्टरनेटिव, ठीक है, सो चीजें ऐसी भाई, 11th को मजाक में निकाल दें कुछ बच्चे 12th वाले, ठीक है, उनका मार्क्स ना सच में मजाक में वो निकाल देगा 11th का पोर्शन, फिर उनका मजाक में ले लेगा भाई, तुम जिस चीज को सीरियसली लोगे ना वही चीज तुमको सीरियसली लेगा, ऐसी बात है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई, तो अगला सवाल क्या है, वापस डोमेन के ऊपर है, और डोमेन से बहुत सारे सवाल हमेशा, मतलब डोमेन से सवाल करने की चांसेस ज्यादा तो होते हैं भाई, ठीक है, देखो यार तुम्हारा डोमेन का सवाल हो गया, या फिर रेंज हो गया, या फिर पीरियड हो गया, है ना, इन तीनों पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप जेई वगैरह में भी, जेई में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन तीनों टॉपिक पे ही ज्यादा करके सवाल फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं, ठीक है, तो ये तीनों को तो बहुत अच्छे से समझना होगा आपको किस तरह से करना है, आइए बढ़ेंगे आगे हम लोग, कह रहे इसका डोमेन चाहिए आपको, तो डोमेन इसका चाहिए सर, पहली चीज ना हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि 1 माइनस रूट मॉड ऑफ एक्स है एंड अपॉन 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स है, तो ये और रूट के अंदर है भाई, ठीक है, रहने दीजिए, तो क्या करेंगे, अरे कुछ करना नहीं है, पहली चीज तो कि डिनोमिनेटर वाली चीज ना कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, 2 माइनस मॉड एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ एक्स जो है ना, ये ना बेटा ये जीरो के इक्वल, सॉरी 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स ना बेटा ये प्लस और माइनस 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज, ओके, समझ रहे हो, ऑलराइट, सो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 का हो गया, ओके,
हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं। अब क्या करेंगे सर? तो अभी जरा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा अपने को कि सर माइनस टू और प्लस टू है ना, माइनस टू प्लस टू नहीं चाहिए। तो माइनस टू प्लस टू कहीं पे ऐसा है कोई ऑप्शन जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना सर? है ना सर, ये वाला ऑप्शन बी दिख रहा है अपने को, ठीक है? ऑप्शन बी दिख रहा है ना यार, अभी आगे करने की आवश्यकता नहीं है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ना, एक्स नॉट इक्वल्स टू है ना, एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस टू बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टू है, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन माइनस टू के बारे में कुछ नहीं बोला है इसने, है ना? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टू पे भी ओपन है बेटा और माइनस टू पे भी ओपन है, मतलब सर ना तो माइनस टू ले रहा है ना तो प्लस टू ले रहा है। यहाँ पे टू को लिया है लेकिन माइनस टू को छोड़ दिया है, यहाँ पे भी टू को लिया लेकिन माइनस टू को छोड़ दिया है। आगे कैलकुलेशन करना है, रहने दो ना सर, राहुल दिया टिक कर बी ऑप्शन, ओके कर लेगा सर यानी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है ये ना, प्रीवियस ईयर जेई में भी पूछा हुआ सवाल है बेटा ये, है ना? फिर ये राजस्थान में पूछा हुआ है सवाल, और इसमें क्या तुमको इतना परेशान करने वाला है अभी? सर ये लॉग में भी डाला है, साइन भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी डाला है, और तो और ये स्क्वायर रूट भी डाल दिया है ना, हद है यार, हद है, परेशान करने की हद है, ये सारी सीमाएं पार कर चुका है। चलो देखते हैं इसको, हम लोग अलग लेवल पे जाके देखेंगे इसको, ठीक है? ओके हाँ जी। अब बेटा देखो, एक सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है, और यहाँ पे ये ना वन बाय साइन एक्स है सर, ये जो चीज है ना, ये वन बाय साइन एक्स है। तो वन बाय साइन एक्स, अगर साइन एक्स को हम लोग कहते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए ना, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ये ले लिया तो चलेगा क्या यहाँ पे? अरे नहीं, वैसा नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये लॉग के साथ है भाई, लॉग इन्फिनिटी इज डिफाइंड है ना, लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, डिफाइन नहीं, मतलब लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है? सो इसको रहने दीजिए फिलहाल, तो ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये वाला चीज, बट इन्फिनिटी कहाँ पे वापस? सर अपने को मालूम नहीं, तो जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है उसको अपने को एक्सक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले सर जी सबसे पहले मॉड ऑफ साइन एक्स कह लीजिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर जीरो के इक्वल हो तो गड़बड़ हो जाएगा। सर साइन जीरो कहाँ पे होता है? साइन जीरो होता है जब पाई जीरो हो या पाई हो या टू पाई हो, थ्री पाई हो, मतलब एक्स जो है ना बेटा, एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है? एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए, ये सही बात है? सही बात है सर। और अरे मुझे लग रहा है ना यार, इसके आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना चाहिए इसको, है ना? क्योंकि एक्स नॉट इक्वल्स टू एन पाई आया और यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सब में ना, सब में अभी देखो यहाँ पे बोल रहे टू एन पाई, टू एन पाई तो कभी होगा नहीं यार, अगर टू एन पाई लिया ना तो थ्री पाई छूट जाएगा, फाइव पाई छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो गया, खत्म, कोई काम ही नहीं बचा। ओके समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना? बहुत ही आसान था यार ये, मतलब डरावना था, डरावना था। कैसे सर? सर स्क्वायर रूट भी है, लॉग भी है, साइन में मॉड भी है, कुछ नहीं है, फिर खाली एक ही कंडीशन डाला और ऑप्शन देखा भाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, एन पाई नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एन पाई आ रहा है, ठीक है? मतलब थ्री पाई आ रहा है, इसमें क्या बोला है ना कि ये ना सर, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड के बारे में इसने बात नहीं करी है ना, तो ऑड के बारे में बात नहीं करी सर, मतलब वो डेंजरस हो गया। और एन एन पाई बोला तो क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑल्सो एंड इवन मल्टीपल, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना बेटा, ठीक है? तो इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहे हैं, और ये खाली भाई साहब बोल रहे हैं इवन, व्हाट अबाउट ऑड? ऑड से क्या दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं है, लेकिन ये बोल रहे इवन है तो अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। और ये तो सारा सर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अपने को यहाँ पे ना कोई इंटरवल की बात नहीं करी खाली, ठीक है? और माइनस पाई से प्लस पाई खाली बोल रहे हैं एक्सक्लूड करने के लिए, जबकि ये बोल रहे हैं एन पाई नहीं चाहिए, और ये तो अजीब बात नहीं है ना। हाँ मंजी का है, हाँ मंजी, ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल है का? नहीं सर, अजीब बात नहीं। ओके मग कौन सा आंसर ठीक कराए सर? बी बी क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डोमेन पर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना? और बहुत सिंपल सिंपल यार, देखो डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, लड़ो, ठीक है? लड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, डरोगे तो वैसे ही और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा आगे, ठीक है? फाइट करिए यार, और कुछ नहीं, सिंपल सा है, कुछ दो, मैंने तुमको दो तीन चीजें बताई ना, बस ये वाला याद रखो। देखो मैंने बताई थी अभी दो तीन चीजें मैंने तुमको, ये वाली चीज है ना, ये वाला सिर्फ ध्यान में रखो भाई, ये है ना,
कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी रहेगा तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है, रूट में रहेगा तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है, और अगर रैशनल फंक्शन रहा तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, बस इतना सारा या आपको ध्यान रखना है और उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहे हैं द डोमेन ऑफ, फिर से सब डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है सर, हमारे पास फंक्शन है बेटा ये वाला लॉग ऑफ 3 + x है, राइट है, और इसका जो इसको कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, और ये जो टर्म है ना बेटा x² - 1, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड, लॉग का एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। ठीक है, सो ये बेस हो गया हम लोगों का नहीं भाई, लॉग का। ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे भी करना क्या है सर, यहाँ पे करना क्या है, आपको बताया गया था कि जब लॉग ऑफ ए टू द बेस बी रहेगा ना बेटा, तो यहाँ पे तीन चीजें अप्लाई करनी है आपको, ए पॉजिटिव चाहिए, बी सर पॉजिटिव चाहिए, और बी है ना इक्वल टू 1 कभी भी नहीं चाहिए। कर लीजिए अप्लाई। तो सर जी ये वाला जो है ना भाई साहब x² - 1, ये ग्रेटर देन 1 चाहिए, ऑफ कोर्स, मतलब x² > 1 चाहिए, इसका मतलब x > = 1 चाहिए या x < = -1 चाहिए। ठीक है, ये पहला आ गया, मतलब हमारे पास ये वाला है, हमें ये अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा सर, अब इस पे अप्लाई कर लो, 3 + x के ऊपर अप्लाई करो कि 3 + x जो है हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब x हमेशा ग्रेटर देन क्या चाहिए भाई, ग्रेटर नहीं सर, लेस कर लीजिए सर आप। ठीक है, x हमेशा < -3 चाहिए सर, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और सर और एक चीज ना ध्यान रखिएगा कि 3 + x कभी भी 1 के इक्वल नहीं चाहिए, बेस में कभी भी 1 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया 1 तो log ऑफ a टू द बेस b को लिखा जाता है log a बाई log b, और बेटा गलती से अगर ये 1 हो गया ना तो ये आ जाएगा log ऑफ a बाई log ऑफ 1, मतलब 0 हो गया, काम खत्म यहीं पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि की कभी 1 नहीं चाहिए सर, मतलब x का वैल्यू कभी भी -2 नहीं चाहिए। यस, तो क्या क्या नहीं चाहिए हमें, सही है, क्या क्या हमें नहीं चाहिए वो देखो। अच्छा सर, यहाँ पे ना आपने गलती से इक्वालिटी डाल दिया, तो हटा लीजिए इसको। ठीक है, इसको हटा लीजिए, ठीक है, गलती से डाल दिया, सही बात है, गलती से डाल दिया। सर क्या क्या नहीं चाहिए, तो हमें सर नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें -1 नहीं चाहिए, और हमें -3 भी नहीं चाहिए। देखो ना, ग्रेटर देन लेस देन है, इक्वालिटी है कहीं भी नहीं है सर। सर मतलब अपने को ये तीन चीजें है ना एक्सक्लूड करनी है। हाँ, बहुत ही चतुर हो सर आप, हाँ फिर से बिना सॉल्व किए हुए आंसर टिक करने वाले हो। एग्जैक्टली, तुम बता दो भाई फिर कौन सा सही आंसर इसमें से, यार बता दो, समझ तो गए होंगे कि कौन से इसमें से आंसर, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी से बताओ, क्या क्या नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हें नहीं चाहिए -2 नहीं चाहिए, है ना, -2 नको सर, -3 पण नको, 1 नहीं सर, ये नहीं सर, इतनी चीजें नहीं चाहिए, ये चार चीजें नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें जिसमें कि इन सारे को इन एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल, नहीं बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। अरे भाई दिख रहा है यार, -3 सर नहीं, यहाँ पे -2 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, नहीं है सर, हो गया ना यार खत्म, सी इज द करेक्ट आंसर, कांट यू सी, अरे सी है कि नहीं है, सी है ना, सॉल्व करके दिखाना है क्या, पूरा सॉल्व करके दिखाना, तो दिखा सकते हैं हम लोग, कंडीशन अप्लाई कर लीजिए भाई। सर आप हर क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हो, हर क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन चेक कर रहे हो सर, ये तो बाकी टीचर्स के जैसे हो रहा है काम, हम तो यहाँ पे सीखने हैं, सीखो ना यार, आओ यार आओ आओ भाई, बाकी टीचर्स के जैसा नहीं है वैसा कुछ, सब टीचर्स स्मार्ट वर्क करते हैं यार, आपके लिए बताते हैं कि टेक्निक क्या होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फटाफट निपटा लो क्योंकि हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हर टीचर आपको ऐसे ही बताएंगे, सबको आता है भाई, ऑफकोर्स सारे टीचर्स को आता है, ऐसा नहीं उनको नहीं आता है, सारे टीचर्स को आता है, जो भी पढ़ा रहे हैं उनको आता है, बट हाँ तरीका वो अपना जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, तो चलो देखो यार क्या क्या बोल रहा है, 1 - 1 - 3 और - 2 है भाई। ठीक है, ले लो जी, ले लो सर, सबसे छोटा वाला नंबर -3 है ना, सबसे छोटा वाला नंबर -3 है,
उसके बाद सर माइनस टू है, उसके बाद सर वन है, उसके बाद बेटा टू है, एक्स ग्रेटर देन वन बोल रहा है पहला, ठीक है, एक से बड़ा चाहिए अपने को, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है माइनस वन से छोटे चाहिए भैया। अरे भाई साहब माइनस वन क्यों नहीं दिखाया आपने, माइनस थ्री दिखाया, माइनस टू दिखाया, ये प्लस टू कौन सी खुशी में दिखाया यार तुमने, ये माइनस वन करो इसको और इसको वन करो, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, वन है, ओके वन है, दिस इज वन, ऑल राइट, ये वन है बेटा। तो क्या होगा जी, सर बोल रहा है ये वन से माइनस वन से छोटा चाहिए ना, ये गड़बड़ गया थोड़ा सा, हम लोगों ने पहले भी ये कर लिया था इसको ना, माइनस वन लेता प्लस वन लेता, तो हाँ चलो अब स्टार्ट करो। वन से सर देखो वन से बड़ा चाहिए सर, ले लो भाई, और क्या चाहिए सर, माइनस वन से छोटा चाहिए, ये चाहिए, चलेगा जी चलेगा, एक साथ में बोल रहा है दोनों काम करना है, ठीक है, सही बात है। दूसरा दूसरा बोल रहा है सर लेस देन माइनस थ्री चाहिए अपने को, लेस देन माइनस थ्री चाहिए, है ना, एस एक्स थ्री प्लस एक्स ग्रेटर लेस देन माइनस थ्री, चलो भाई लेते हैं हम लोग लेस देन माइनस थ्री, ठीक है, लेस देन माइनस थ्री, बट ये थोड़ा सा है ना, चलिए चलिए ये हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल्स टू टू चाहिए सर, टू तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना, माइनस टू बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए सर, तो ये ले लीजिए ना, हटा लीजिए इसको आप, ठीक है, ये हटा लीजिए ऐसा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ हम लोगों ने कहीं तो कुछ तो गड़बड़ 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 हुआ है, थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए, सो एक्स लेस उधर जाएगा, एक्स लेस देन सॉरी एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री चाहिए यहाँ पे बेटा, ये ना ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस थ्री चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन, तो ये जो है ना सर ये वाला इसको पलटिए, इसका है ना इसकी दिशाएं बदल जाएगी, ठीक है, चलो भाई यहाँ से शुरू हो जाओ तुम, चलो कम ऑन लास्ट तक जाओ, ठीक है, खाली बोल रहा है ग्रेटर देन चाहिए, तो ये लो, अब सोचना जरा सा है ना, तुम्हारी अंतरात्मा आवाज देगी, कौन कौन सा नहीं होना है सर, माइनस थ्री नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए सर, ये नहीं चाहिए सर, ठीक है, माइनस टू नहीं चाहिए सर, दिखा चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे चलो दिखा लेते हैं ना, ये भी नहीं चाहिए सर, दिखा लीजिए सर, दिखा लीजिए दिखा लीजिए, और वन चाहिए क्या अपने को सर, नहीं अजी बात नहीं है ना, कंसिडर क्राइसिस नहीं, मग अच्छा बगा कुटला इंटरवल आहे करेक्ट इंटरवल सर, सेलेक्ट करना अपने को सिर्फ अभी, ठीक है, तो स्टार्ट कर लीजिए बेटा, माइनस थ्री से लेके माइनस टू तक, दिख रहा है क्या, माइनस थ्री से माइनस टू दोनों को छोड़ के, माइनस थ्री से माइनस टू तक लीजिए बेटा, फिर अगला क्या है सर, माइनस टू से माइनस वन तक है भाई सब, माइनस टू से माइनस वन तक है यूनियन, उसके बाद यहां से माइनस वन से लेके वन के बीच में है क्या कुछ, नहीं सर ये ब्रेक हो रहा है, ये ना कॉमन नहीं है, कॉमन इसके आगे है फिर, सो यहां से लेंगे आप वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्या ऐसा ही ऑप्शन, देखिए जरा सा, माइनस थ्री से माइनस टू बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, माइनस टू से माइनस वन सही बात है सर, और वन से इन्फिनिटी सही बात है सर, समझ में आई क्या बात, समझ में आई कि नहीं बात, सिंपल है कैलकुलेशन, और मैं तो कहता हूँ ना यार इतना कैलकुलेशन मत किया करो, ठीक है, अगर काम तुम्हारा पहले ही हो गया, स्मार्ट वर्क से काम हो गया, तो हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सही है, बस हाँ टू द पॉइंट आपका आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी स्मार्ट वर्क करके हम लोग गलत निकाले, नहीं है, सही बोले तो सही। वापिस एक और सवाल डोमेन के ऊपर, ठीक है, डोमेन के ऊपर फिर से एक और सवाल, एक्सपोनेंशियल है ना, ये क्या है भाई, ई एक्स पी है ना, ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ बोल रहे हैं, क्या चाहिए, फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बोल रहे हो, ई का वैल्यू क्या होता है बेटा सर, ये होता है 2.7182 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है सर, ये होता है मतलब ये सर एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये तो अपने को दिख रहा है एकदम से, सही बात है ना, ये हमें साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या करना चाहिए सर, अभी देखो बेटा एक्सपोनेंट इसका ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं रियल नंबर, सिर्फ इमेजिनरी नहीं चाहिए, तो मतलब ये अंडर रूट वाली जो चीज है ना सर, ये वाला 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है, आगे क्या करेंगे सर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए सर, है ना, सारे टर्म्स को इस तरफ भेज दिया, आप ऐसे सोचिए या आप ऐसे सोचिए कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्ट हो गया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट सर, फैक्टराइज कर लीजिए बेटा, 2 3 6 है ना, और माइनस सिक्स प्लस वन हो जाता है माइनस फाइव, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे
प्लस थ्री लिखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है आप कॉमन ले लीजिए। सो ये बचेगा बेटा x माइनस थ्री, प्लस वन कॉमन लीजिएगा वापस, तो x माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टू एक्स प्लस वन एंड इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। सही बात है सर। अभी ये वाला वेवी कर्व मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जिन बच्चों को वेवी कर्व मेथड आता है ना उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है सर, ठीक है, यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है ये समझिएगा। ये जीरो हो जाएगा कहाँ पे, जब x का वैल्यू, इसको जीरो कर लो ना, x का वैल्यू माइनस हाफ आएगा, इसको जीरो कर लो ना, ये आएगा थ्री, ठीक है। तो माइनस हाफ और थ्री दिखा लीजिए आप नंबर लाइन पे, माइनस हाफ दिखा लीजिए यहाँ पे और थ्री दिखा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो चलिए आप आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, लेस देन चाहिए हमें। अब इसके बाद का तरीका क्या होता है ना कि आप कोई भी इंटरवल जो आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको जो भी पसंद है, पसंद ना पसंद की बात वैसे नहीं है, रिश्ते यहाँ पे नहीं बनाने अपने को, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो वाला इंटरवल लो जिसमें जीरो आ रहा है, जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो ना कैलकुलेशन को सर आसान कर देता है। जब भी एक्स का वैल्यू कहीं जीरो आप डालेंगे तो वो नल कर देगा उसको, ठीक है, ओके। तो चलो सर, जीरो वाला इंटरवल तो यही वाला है सर, है ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है, सही बात है ना, ये निगेटिव है पॉजिटिव है तो बीच में जीरो तो जरूर आएगा। तो जीरो इसमें रख लिया जाए सर, इसमें किसमें, कहीं भी रख लीजिए बेटा, यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। तो जीरो अगर रख लोगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख लीजिए, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा सर, ये जीरो हो जाएगा सर, ये बच गया प्लस थ्री, मतलब इसमें पॉजिटिव। तो अगर एक इंटरवल में आपका पॉजिटिव आ गया ना बेटा, तो बाकी इसमें नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। होता क्या है, पैटर्न क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक इंटरवल का साइन आपको मालूम है, ठीक है, तो आप बाकी के इंटरवल में आप अल्टरनेट साइन पुटअप कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर होने चाहिए। लीनियर फैक्टर मतलब ये फैक्टर का पावर वन होना चाहिए बेटा, या आप ऐसे कह लें कि ऑड एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इवन हो जाता है ना तो ये गड़बड़ हो जाता है, आपको इस लेवल पे नहीं जाना है। यहाँ पे फिलहाल आपके पास सब लीनियर फैक्टर वाले ही मिलेंगे, सो नथिंग टू वरी, ये सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अपने कुछ चाहिए कैसा, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, अपने को नेगेटिव चाहिए। सो नेगेटिव वाला कौन सा है देखें जरा से, इसमें नेगेटिव वाला तो दो है सर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ भी है और थ्री टू इन्फिनिटी है। अरे इसमें तो कुछ आया ही नहीं यार, इसमें कुछ आया ही नहीं भाई, रुको रुको एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ ऐसा लग रहा है मुझे लिखने में, एक्सक्यूज मी, कुछ तो गड़बड़ हुआ लिखने में मेरे से। दोबारा एक बार चेक करते हैं ना, देर इज सम मिस्टेक आई थिंक। तो 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर है सर, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव होना चाहिए जी, ओके ओके ओके। तो इन सारे टर्म्स में हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x एंड प्लस 3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, 2x कॉमन लिया, आई मीन माइनस 6x प्लस x लिखा एंड प्लस 3 लिखा, सही है। तो यार 2x इंटू x माइनस 3 लिखा बेटा, और 1 इंटू ओ ओ ओ ओ ओ, देखिए हो गई गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में हमारा मिस्टेक हो गया है, हमने ढाई में कर दिया एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ ये काम नहीं करना था अपने को, ये काम नहीं करना था सर, आपसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, दोबारा करेंगे जरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा लेस देन जीरो, अब 2 3 जा 6 आया, ठीक है, और ये है माइनस 5, ओके। सो 2 3 जा 6 और माइनस 5, तो क्या लेंगे आप, माइनस 2 और माइनस 3 लेना होगा, है ना, माइनस 2 और माइनस 3 लेना होगा अपने को। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x लेना होगा एंड प्लस 3 करना होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या गड़बड़ कर दिया कि 6 को ना हमने माइनस 6 को ना ऐसा लिखा, माइनस 6 और 1 लिख लिया, ठीक है, तो ये तो एक्चुअली माइनस 6 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे प्लस 6 है तो ये नहीं लिख सकते आप, तो प्लस 6 है तो आप क्या करेंगे, 6 को आप 2 और 3 में लीजिएगा, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 3 ऐसा। सो चलो करेक्शन हो जाएगा तुरंत, एक मिनट का काम है, सिर्फ 2x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 हो जाएगा भाई, 3 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे, है ना, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 हो जाएगा बच्चे लोग। सो 2x माइनस 3 एंड इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो।
अब यहाँ पे 3/2 और 1 आएगा है ना, जैसा करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 3/2 और 1 आएगा, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3/2, ठीक है। चलो अभी जीरो वाला इंटरवल कौन सा, अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, जीरो तो अभी सर कहीं और आएगा। चलो जीरो सर अभी एक के पहले आएगा, ठीक है, ये वाला इंटरवल जीरो वाला है, तो जीरो पुट कर लो भाई, जीरो पुट कर लीजिए आप, ठीक है, जीरो पुट करेंगे सर तो इसमें पुट कर लीजिए आप, तो ये क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा सर, ये जीरो आएगा सर, ये पॉजिटिव आएगा सर, मतलब इसमें पॉजिटिव आएगा सर, इसमें ना नेगेटिव आएगा सर, इसमें पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए सर, हमें तो सर लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब अपने को नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, मतलब 1 2 3/2 चलेगा सर, तो डी हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है, समझे क्या, सो डी इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में हमारा वहाँ पे चूक हो गई थी, ठीक है, बस उसको है ना सुधार लिया हम लोगों ने, ठीक है, आंसर कुछ ज्यादा मिसमैच हो रहा था, सो उसके बाद मेरे को क्लिक नहीं तो गड़बड़ हो गया है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे आएंगे बच्चे। हाँ जी, अब रेंज पे आ रहे हैं बेटा, ठीक है सर, रेंज किस तरह से फाइंड आउट करना होता है ना, रेंज रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, रेंज 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 का मतलब क्या होता है यार, रेंज व्हाट इज रेंज, रेंज होता है एक, समझिएगा इन जनरल बता रहा हूं, जैसे आपको बताया जाता है ना साइन एक्स का रेंज जो होता है ना, साइन एक्स का जो रेंज होता है, इसका रेंज कैसे क्या होता है बेटा, इसका रेंज होता है सर -1 से लेके +1 तक का, ठीक है, तो बेसिकली रेंज का मतलब होता है भाई मिनिमम कहां तक जा सकता है और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि तुम लोग अभी MHTCET का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो ये से एग्जाम है तुम लोगों का रेंज होगा भाई, है ना, तुम सोच के रहोगे अपना रेंज सोच के रखे होंगे, ठीक है, मेरा मार्क्स 100 to 150 के बीच में आ सकता है अगर एवरेज स्टडी कर रहे हो तो, अगर अच्छी स्टडी कर रहे हो तो तुम अपना मार्क्स एज्यूम करोगे भाई 150 से लेके 180 के बीच में मेरा मार्क्स आएगा, ठीक है, और अगर बहुत धुआंधार स्टडी कर रहे हो तो बोलोगे भैया 180 से लेके 200 के बीच में कहीं आएगा, ये हमारा रेंज है ना, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये थोड़ा है ना मेहनती बच्चों के लिए, ठीक है, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्किंग, और जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और ये एक्स्ट्रा है ना हार्डवर्किंग, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो है उनके लिए, तो सबका ना अपना अपना रेंज होता है यार, है ना, अपना अपना रेंज होता है, देखो कभी किसी को है ना किसी से झगड़ा हो गया तो क्या बोलते हो, है ना अपने वैसे तो कहते हैं लिमिट में रहो, औकात में रहो, है ना, औकात क्या होता है, रेंज में रहो, मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसे पंगे लेने किसे पंगे नहीं लेने, तो उस बंदे को अगर उसका रेंज मालूम नहीं हो किसी से भी जाकर के पंगे ले लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो रेंज मतलब वही होता है भाई कि आपको आपकी सीमा मालूम होनी चाहिए कि आप मिनिमम कहां तक जा सकते हो और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, ठीक है, रेंज वो होता है, या फिर अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझोगे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेंज क्या होता है सर, तो बेटा अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं ना, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं, तो एक्स जो एक्स क्या होता है सर, ये डोमेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एक्स होता है सर डोमेन होता है, ठीक है, अब जो भी डोमेन फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है ना, डोमेन जो भी है डोमेन, है ना, इस डोमेन की करेस्पॉन्डिंग है ना इसका जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट है ना, आउटपुट कैसे, सो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, ये जो आउटपुट रहेगा ना, आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू किसके करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन, ओके, समझे क्या, सो डोमेन में इसका जो आउटपुट रहेगा, डोमेन के बाहर जाके बात नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बात कर लिया तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर छोड़ो सीधा सीधा खाली बोल दिया 1/x, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा सिर्फ जीरो को छोड़ के, राइट, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा सर, इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, राइट, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका डोमेन अब जीरो पे आप इसका रेंज नहीं कर सकते क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा ना बेटा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो जब भी आप रेंज फाइंड आउट करते हैं ना तो रेंज आप करेस्पॉन्डिंग डोमेन के लिए फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो रेंज फाइंड आउट करने का ना यहाँ पे तरीके होते हैं, हो सकता है आपके पास भाई डोमेन मालूम हो तो आप डोमेन की करेस्पॉन्डिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे, या तो हो सकता है फंक्शन का डायरेक्टली आपको रेंज मालूम हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है बेटा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1 तक का होता है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 5 sin x का रेंज क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे आप मुझे, 5 sin x का रेंज क्या होगा, बताइए मुझे इसका आंसर आप,
व्हाट विल बी द रेंज ऑफ साइन 5x? जस्ट टेल मी, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल तुमसे पूछा मैंने, साइन 5x का रेंज क्या होगा, सोचो और बताओ। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका रेंज क्या होगा, भाई अगर साइन एक्स का रेंज माइनस वन से प्लस वन जा रहा है सिर्फ, ठीक है, तो आपने किया क्या, फाइव से मल्टीप्लाई किया, फाइव से मल्टीप्लाई किया सिर्फ आपने, राइट? तो फाइव साइन एक्स का नहीं नहीं सेम नहीं होगा बेटा, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, ठीक है, तो फाइव से मल्टीप्लाई करो इसमें, पूरे फंक्शन में फाइव से मल्टीप्लाई किया आपने, तो इसका रेंज माइनस वन से प्लस वन नहीं रहेगा, इसका रेंज माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई पूछ दिया साइन ऑफ फाइव एक्स का रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज लिखोगे माइनस वन से प्लस वन। जब एंगल चेंज होता है ना, एंगल चेंज होके कुछ भी होने दीजिए आप, ठीक है, व्हेन एंगल चेंजेस रेंज डज नॉट चेंज, ठीक है, रेंज डज नॉट चेंज। लेकिन जब पूरे फंक्शन में, कोई भी फंक्शन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है ना, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, इफ इट्स रेंज इज फ्रॉम सपोज माइनस ए टू, कुछ भी कह लीजिए, माइनस क्यों ले रहे हैं भाई, सपोज हमने कह लिया ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी है इसका रेंज, ओके, ए टू बी है, और अगर बोल दिया इस फंक्शन को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, तो सर 10 टाइम्स ए से 10 टाइम्स बी तक होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दिया कि एफ ऑफ 10x का रेंज क्या होगा, एट क्या बदमाश क्या बातें कर रहे, बोलना भाई ए से बी के बीच रहेगा, ठीक है। सो रेंज चेंज कब होता है, जब आप फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, डोमेन में जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो कुछ नहीं होता, ठीक है, डोमेन मतलब x, x के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया या डोमेन में कुछ आपने ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे बोला साइन x, अगर किसी ने बोल दिया सॉरी साइन x प्लस थ्री का रेंज क्या होगा, माइनस वन से प्लस वन, साइन थ्री एक्स का रेंज क्या होगा, माइनस वन से प्लस वन, जो है उस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। रेंज चेंज कब होगा, जब आप फंक्शन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, whenever you are multiplying inside the function, I mean you are multiplying with the domain, so though in those cases the range is not going to change, clear है सारे बच्चों को? अच्छा, अब आएंगे, बढ़ेंगे आगे भाई, ठीक है, ये बोल रहा x plus 2 by mod of x plus 2, इसका range क्या होगा, सर ये तो कमाल है ना, कमाल है, x by x plus 2 by mod of x plus 2, सबसे पहली चीज सर ये ना कभी भी माइनस टू या प्लस टू के इक्वल नहीं होगा, और मॉड्यूलस एक्स का जो डेफिनेशन होता है ना बेटा, मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स का डेफिनेशन याद रखिएगा, आपको बताया था, ये एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, मॉड एक्स इज प्लस एक्स व्हेन इट इज पॉजिटिव, एंड इट इज माइनस एक्स व्हेन इट इज नेगेटिव, एंड जीरो पे जीरो होता है, ठीक है। तो सर ये वाला जो है ना, ये बेसिकली सिग्नम ऑफ एक्स प्लस टू है ना, मतलब x प्लस टू एंड y मॉड ऑफ x प्लस टू, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ x प्लस टू है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे होगा बेटा ऐसा, x प्लस टू by x प्लस टू, प्लस में खुलेगा जब x प्लस टू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू प्लस वन जब x ग्रेटर देन माइनस टू होगा, ठीक है, राइट। एंड ये हो गया पहला, और दूसरा सर अगर x प्लस टू का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, ये मॉड्यूलस का में अंदर में जो है ना, ये अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब अभी ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है, x प्लस टू एंड डिवाइड बाय माइनस ऑफ x प्लस टू, कब, जब x प्लस टू का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है, मतलब ये माइनस वन होगा, कब, जब x का वैल्यू लेस देन माइनस टू होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है जहां पे आपका रेंज आप इस तरह से फाइंड नोट करोगे। तो अच्छा मुझे बता दो आप सीधा सीधा कि इसका रेंज क्या होगा, अगर मुझे बता देंगे इसका रेंज क्या होगा तो मजा आएगा यार, बता दो इसका रेंज क्या होगा भाई, दिख गया, अरे सर यहाँ पे माइनस वन आ रहा है और यहाँ पे प्लस वन आ रहा है और यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, सो इट्स रेंज इज माइनस वन और माइनस वन एंड प्लस वन, हाँ ध्यान रखिएगा माइनस वन एंड प्लस वन, ऐसा नहीं बोल रहे माइनस वन टू प्लस टू, नहीं, क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना सिर्फ ये एक ही वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। सर अगर मान लीजिए ये तो तुम्हारे पास ऐसा सा दे दिया भाई, है ना, अगर मान लो कि तुमसे पूछ दिया है, सिंपल सिंपल से सवाल मैं ले रहा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल से सवाल, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा यार,
एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है हमेशा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, कौन कौन अभी भाई प्रेजेंट है, जरा सा एक बार अपना अपना हाथ खड़ा कर दो यार, है ना, हाथ खड़ा कर दो, मतलब हम सब दे दो यार, ठीक है, जो भी प्रेजेंट है, सीख रहे हैं बच्चे लोग, और रेगुलर आइए आप लोग, है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा यार आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप रेगुलर आओगे तो मुझे पता चलेगा, अच्छा ये बच्चे का यहाँ तक कनेक्टिविटी था, अभी इसके आगे हमें कैसे लेके जाना है, नहीं तो क्या होता है कि आते हैं और ये पर्दे से झांक लेते हैं, अच्छा लेक्चर चल रहा है, चलो बाहर चलो, बाहर चले जाते हैं, तो वो वाला फिर सेंस नहीं बनता यार, है ना। सो जस्ट जो भी है बच्चे प्रेजेंट, जस्ट गिव अ थम्स अप एंड जस्ट स्टे, है ना, रेगुलर यार, सही बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे अभी 11th से जो 12th में गए ना वो भी प्रेजेंट हो, आप लोगों के लिए भी है, अगर वो बच्चे भी हैं तो आप रेगुलर रहिए आप, ठीक है, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। देखो भाई कुछ ले तो नहीं रहा हूँ मैं, कुछ दे तो जरूर रहा हूँ, ठीक है, आपसे कुछ खींच नहीं रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं आपका ज्ञान मैं ले रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ये सोच के आओ यार कि कुछ, चलो आज एक नया चीज आज हम सीखेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं, हमें एक आज नया चीज सिर्फ सीखना है, ठीक है, ओके, बस ये इस पर्पज से आओ, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं आप तुम लोग से ना पूछता हूँ और भी कुछ सवाल यार, जैसे बोलो कि एक्स स्क्वायर, मान लो मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, सो ऐसे वाले क्वेश्चन में कैसे करने ना, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, इसके दो तीन तरीके हैं फाइंड आउट करने के रेंज, ठीक है, इसके दो तीन तरीके फाइंड आउट हैं, तरीके हैं फाइंड आउट करने के, पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लो, तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और वन थ्री को ब्रेक किया हमने वन और प्लस टू में, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई तुम्हारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस टू आया, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना भाई साहब, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ओके, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, मतलब इसका रेंज टू टू इन्फिनिटी होगा, ओके, सो सवाल आएंगे हम लोग करेंगे, ठीक है, और भी सवाल आएंगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लोग तुम्हारे एमएसटी सीटी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये सवाल 2018 में पूछा है भाई, कैसे ऐसे सॉल्व किया जाए सर, बोल रहे हैं रिंग बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बहुत सिंपल सवाल है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए भाई, आप सोचिए जरा सा, इसका रेंज क्या हो सकता है, व्हाट इट्स रेंज कैन बी, हाँ जी किसी का आंसर आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, ओके, सो ओके, कैसे करेंगे भाई सर, अरे भाई टेंशन मत लो यार, एक्स एक्स रेज टू फोर माइनस फोर है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ठीक है, एंड अपॉन अपॉन क्या है, एक्स माइनस टू है, ओके, सबसे पहले तो सर ये वाला जो फंक्शन है ना एक्स इक्वल्स टू टू पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नीचे में एक्स माइनस टू है, ठीक है, ये तो टू पे डिफाइन नहीं होगा, राइट ना, तो सर अगर ये टू पे डिफाइन नहीं है, मतलब एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू टू होना चाहिए, तो भाई इसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस टू एंड इंटू एक्स प्लस टू, एंड नीचे में क्या है एक्स माइनस टू, चलो भाई कर लो काम, तो इसका क्या आएगा भाई, क्या आएगा रेंज इसका, फोर, फोर नहीं आएगा, ठीक है, फोर नहीं आएगा, अभी ये हुआ क्या, एक्स एक हमने निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लिया, खाली एक्स प्लस टू आ गया हमारे पास, ठीक है, बट क्या कह रहा है कि ये टू नहीं चाहिए, ठीक है, टू के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, करेक्ट है ना, तो जो फंक्शन है तुम्हारा आ गया एक्स प्लस टू, बट एक्स कभी भी टू नहीं चाहिए, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, जो भी आएगा वाई का वैल्यू कभी भी फोर नहीं चाहिए,
तो फोर ने आ सी वेरी स्मार्ट, खत्म, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ठीक है आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसका अगर अभी देखो 2019 में पूछा है, सीटी 2019, वाओ बहुत मतलब रीसेंट क्वेश्चन है, तुम्हें पता चलेगा भाई इसकी क्या मतलब इसका क्या लेवल है, ठीक है कितना डिफिकल्टी लेवल इसका है भाई, देखते हैं जरा। बहुत ही आसान है यार तुम्हारा, सही बता रहा हूँ ना, ये जो सीटी का एग्जाम होता है ना बहुत ही सिंपल लेवल का होता है, जस्ट तुमको सिर्फ 12th का ना कंटेंट जो भी है ना और 11th का जो भी है वो सिर्फ स्टेट बोर्ड बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, और बाकी थोड़ा सा ब्रशअप करना होता है, हो जाता है भाई। आओ भाई इधर आगे बढ़ो यार, ठीक है। फंक्शन दिया है तुम्हारे पास, fx स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x² है, ठीक है। जरा सोचना, सोचने में क्या जाता है, सोचने में सर कुछ भी नहीं जाता है ना, तो अगर कुछ नहीं जाता तो हम लोग सोचेंगे फिर से फिर, ठीक है भाई साहब। एक बात बताओ, साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है यार? अच्छा, यहाँ पे रेंज नहीं, सॉरी यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, मैं रेंज पे आ गया था। चलो डोमेन, तो डोमेन साइन एक्स कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मतलब कहाँ से कहाँ तक चाहिए एग्जैक्टली? देखो मैं जरा सा तुम्हें ना साइन एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर? ये ऐसा होता है ऐसा, ठीक है, और इसी ग्राफ को कॉपी कर लेंगे सर, कर लीजिए ना, कर लीजिए ना, किसी ने कोई आपको मना नहीं किया है, ना किसी ने रोका, ना कोई रोके ना किसी ने रोका, ठीक है। सो आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। यूं सर 0 कहाँ पे आता है? 0 को दिखाइए मुझे, 0 को दिखाइए, 0 कहाँ पे आएगा, 0 कहाँ पे आएगा? 0 बेटा जहां जहां पे एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है ना वो 0 होता है, तो ज्ञान होगा आप लोगों को, ठीक है। और सर ये 0 कहाँ पे कट कर रहा है? सर ये हो गया पाई, हो गया -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ये इस तरह से। बट क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है, ये रूट के अंदर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब सर ग्रेटर देन 0 मतलब ये चाहिए, राइट सर ये चाहिए, सही बात है सर ये चाहिए, सही बात है। नीचे वाला अपने को नहीं चाहिए, अपने को नीचे वाला नहीं चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज अब आगे बढ़ेंगे, अब ये जो है ना 16 माइनस x² ये भाई साहब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब x² लेस देन इक्वल टू 16 चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 टू +4 चाहिए। चलो जी दिखाओ सर नंबर लाइन, फटाफट काम कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज ना -4 से +4 वाली चीज दिखा लो, -4 से लेके +4 वाली चीज दिखा लो, इसके बीच में चाहिए अपने को। अच्छा और सर -4, अच्छा ये क्या होता है भाई? ये सर 0 है और ये क्या है? पाई, पाई का वैल्यू बोले तो 3.14, ठीक है 3.14 होता है ना। और ये क्या है सर? ये -पाई है, ठीक है, और ये क्या है? ये तुम्हारा -2 पाई रहेगा, तो माइनस ये हो गया -3.14 और ये हो गया -6.28। अपने को इधर नहीं जाना है, चलो फिर भी मैं दिखा लेता हूँ, ठीक है फिर भी मैं दिखा लेता हूँ कि करना क्या है सर। मैं ना सिर्फ आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखा ले रहा हूँ नंबर सर। 0 0 0 कहाँ पे आएगा सर बेटा? तो 0 एग्जैक्टली -4 से +4 के बीच में आएगा 0, ठीक है ऑलराइट। और सर पाई कहाँ पे आएगा सर? पाई, पाई बोले तो सर 3.14, 3.14 समवेयर 4 के आसपास आएगा, ये कह लीजिए पाई है आपका, ठीक है पाई है। ओके माइनस पाई कहाँ आएगा सर? माइनस पाई बेटा -3.14, -3.14 इसके जस्ट थोड़ा सा पहले आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है दिस इज माइनस पाई है ना, माइनस पाई। और सर -2 पाई कहीं यहाँ पे आएगा यार, ठीक है दिखा लिया। चलो साइन वाला अप्लाई करो, -2 पाई से लेके कम ऑन यार, -2 पाई से लेके +2 पाई के बीच, और अगला कौन कौन सा है भाई? सर 0 से पाई के बीच पॉजिटिव है, तो ये दो वाला हमने, ये हमने दो इंटरवल दिखा लिए, ठीक है ध्यान रखिएगा, ध्यान से यहाँ पे है ना समझिएगा, एग्जाम से नजरें आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए अभी, ठीक है ये वाला आ गया, ठीक है सर। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा? दूसरा बोल रहा है -4 से +4 के बीच में, अरे दिखा ले यार है ना, -4 से +4 लो, -4 से +4 लो भाई है ना, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें? देखो भाई देखो देखो,
अभी सर यहाँ पे हर जगह पे इंक्लूड करके जगह कॉमन दिख रहा है ना सर, ये तो है ना अपने नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, ये वाला कॉमन है सर यहाँ से यहाँ तक और आगे यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है। ठीक है बता दो भाई कौन सा आंसर है बता दो। नहीं बताओगे अब तो बता दो, इसमें कुछ नहीं बचा है, मैंने सारा सब कुछ सॉल्व कर दिया है, सिर्फ तुम्हें इसका आंसर बताना है कि आंसर कौन सा होगा। ऑप्शंस में से देखो कोई मैच कर रहा है तो बताओ भाई। मैच किया कोई? मैच ही नहीं कराएंगे सर हम तो मैच ही नहीं कराएंगे, तुम्हें इंटरेस्ट है पढ़ाने में तुम पढ़ाओ। सी है भाई यहाँ पे, ठीक है सी इज द राइट आंसर, दिख रहा है भाई मैच हो रहा है माइनस फोर से लेके माइनस फाइव के बीच में, माइनस पाई के बीच में और फिर जीरो से लेके पाई के बीच में। ठीक है ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ वापस डोमेन है फिर से आया भाई, ये AIEEE 2004 का सवाल है, ये मुश्किल होगा सर। अरे कुछ नहीं मुश्किल होगा यार, ठीक है पहले सवाल में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे। हाँ इधर आओ, सबसे पहले 9 - x² के कह लो 0 के इक्वल नहीं चाहिए, मतलब x² = 9 नहीं चाहिए, मतलब x≠ +-3 चाहिए। ठीक है प्लस और माइनस 3 नहीं चाहिए, बताओ यार कौन सा आंसर होगा इसका, बताओ डायरेक्टली बोलो। इसका आंसर कौन सा होगा भाई, विच वन इज द करेक्ट आंसर? x≠ +-3 तो इसमें से कौन सा होगा, 3 नहीं चाहिए सर अपने को, यहां पे दिख रहा है भी, जाने दीजिए। ठीक है अभी हो गया आंसर, कुछ भी नहीं था सर इसमें, कुछ भी नहीं था सर इसमें। सो डोमेन की क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब तक मुझे लग रहा है डेवलप हो गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। ठीक है चलिए ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लगता है यार। ए ए नहीं ना यार, ए कैसे कह रहे हो तुम, 3 नहीं चाहिए बेटा, 3 नहीं चाहिए बोल रहे हैं, 3 नहीं चाहिए मतलब 3 पे ओपन इंटरवल चाहिए ना, 3 नहीं चाहिए ये वाला, देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब नहीं कंसिडर कर रहे हैं इसको। ठीक है ऐसा है, अगले सवाल पे आओ। साइन इनवर्स, अभी इसका डोमेन कह रहा है सर, तो साइन इनवर्स का डोमेन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भाई सब, ठीक है कि साइन इनवर्स एक्स जब लिखते हो ना तो ये जो एक्स का वैल्यू होता है ना -1 से +1 के बीच होना चाहिए। ओके इनवर्स फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा, इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया था, ठीक है ये वाली चीज। ओके सर ओके सर, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि 1 + 3x + 2x² का जो वैल्यू है ये ना सर -1 से लेके +1 तक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही पकड़े बेटा। ठीक है तो यहाँ पे दो अलग अलग इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, 2x² + 3x + 2 आएगा भाई सब, ठीक है > 0 और यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x < 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए भाई, तो 2x + 3 < 0, सो x 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, x = 0 और -3/2 पे आ रहा है। ठीक है तो और सर इधर के बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, ख्याल तो कुछ देखते हैं कि क्या है भाई। अभी अगर यहाँ पे देखोगे है ना, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसका, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो भाई, डी क्या आएगा, डी आएगा सर d² - 4 × 2 × 2, ठीक है ये क्या है भाई -7, तो < 0 और ए क्या है पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा ऐसा हो, नहीं ये वाला समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, ये क्या बोल दिया समझ में नहीं आया। ठीक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है जो तुमको 11th में पढ़ना नहीं था, ठीक है तो चलो ऐसे सोचो भाई, तुम ऐसे सोचो 2x² है ना, 2 को बाहर ले लो भाई है ना, 2 से डिवाइड कर लो पहले, x² + 3/2x हो जाएगा एंड +1 > 0 हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे ना तो ये आएगा x + 3/4, ये तो जानते होगे x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, ठीक है ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो 1 - 9/16 हो जाएगा जो भी रहेगा भाई ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये स्क्वायर टर्म है
परफेक्ट स्क्वायर टर्म है ना, स्क्वायर टर्म है भाई ये, है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और इसकी किस्मत कितनी भी खराब हुई ना तो ये 7/16 पे जाके गिरेगा, ठीक है। सर ये कह रहा है ये भी हमेशा पॉजिटिव, और ये तो भाई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर है ही, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा सर। एग्जैक्टली तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा सर, एकदम से सही बात है भाई। और इधर आओ, ये बोल रहा है लेस देन जीरो चाहिए, कहां से कहां तक होगा अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो दिखा लो भाई, दो नंबर्स बोल रहा है, एक बोल रहा है -3/2 कह रहा है और एक कह रहा है जीरो। ये भाई साहब माइनस इन्फिनिटी है और ये भाई साहब प्लस इन्फिनिटी है, तो कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे सर। कोई भी इंटरवल एक ले लीजिए ना आप, कौन सा इंटरवल लेना है, चलो वन वाला लेते हैं, जीरो के आगे वन अगर रखोगे तो क्या आएगा सर, 2 × 1 पॉजिटिव आएगा सर, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा सर, इसमें पॉजिटिव आएगा। अपने को चाहिए सर नेगेटिव, मतलब -3/2 से लेकर जीरो तक है क्या कोई, यार सर दिख गया ना सर, चमक गया, सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके सो डोमेन रेंज ये सब सब क्वेश्चंस हैं यार, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें आप, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी डोमेन का है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन सिंपल है, आपको इतना सारा क्वेश्चन करके दिखाया जा चुका है, आई बिलीव कि आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीजें बताई गई है आप उसको सिर्फ अप्लाई करिए सही तरीके से, ठीक है। सब डोमेन रेंज कही है, ठीक है, रेंज है यहाँ पे, रेंज ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक का होगा भाई, है ना। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा सर, जब एक्स जीरो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब जाएगा, जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा 3, तो मिनिमम हो जाएगा 0, तो 0 से लेके 3 के बीच हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसमें से हम लोग किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है सर वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये सारे सवाल हैं यार, क्वेश्चंस बाकी के क्वेश्चंस आप कुछ खुद करिए आप बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है सर, कह रहे हैं एफ ऑफ इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, मतलब डेफिनेशन बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, तो कह रहा है कि इसका बताइए वैल्यू क्या होगा, क्या बोल रहा है भाई, ये है 2/3 एंड प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 2/3 प्लस 1/99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस एंड सो ऑन एस रहे, एक और देख लीजिए, 2/3 प्लस 2/99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से है, कहां तक है भाई सब सर, ये 2/3 प्लस 98/99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। पहली चीज मैं इसमें आपको एक और बता दे रहा हूं, एक और चीज, हाँ रिपीट देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। इस कभी भी आपके पास अगर ऐसा रहता ना बेटा, ऐसा हो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/n एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1/n रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली याद रहता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखेंगे 2/3 एन इंटू एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 99 है, ठीक है, 99 है सर, तो 3 से 33 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सर, 66 तो आ गया आंसर इसका, ले लीजिए, ठीक है, कोई तकलीफ ही नहीं है, है ना, कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें, तो करेक्ट है। सो इस तरह से भाई करना है सर, अगर ये नहीं याद रहा तो, नहीं याद रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनकेस अगर नहीं याद रहा तो आपको कैसे करना होगा, ठीक है। अब जैसे सोचेंगे यार, है ना, आप जैसे सोचेंगे, सोचने में क्या जाता है, 2/3 है ना, 2/3 मतलब 0.66 है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, ठीक है। अच्छा सर 0 आएगा, फिर ये 1 कब आएगा, जब 2/3 के साथ तुम ऐड कर दोगे 1/3 तब, ठीक है, ये आ जाएगा 1, लेकिन सर यहाँ पे हर जगह पे ना 99 है, तो ये 99 है मतलब ये कब आएगा सर, पहली बार 1/3 कब आएगा, सोचेंगे जरा सा, 1/3 कब आएगा, जब ये 33/99 आएगा तब आएगा 1/3, ठीक है ना। मतलब सर ये जो है ना 2/3 एंड प्लस
2 by 3 plus 1 by 99 plus 2 by 3 plus 2 by 99 and so on. ठीक है, 2 by 3 plus 33 by 99. ठीक है, और सर इसके आगे क्या होगा सर? 2 by 3 plus 34 by 99 एंड इस तरह से आगे जाएगा, आगे जाएगा. ठीक है, कहां तक जाएगा सर? और जरा सा सोचेंगे कि 98 by 99 का वैल्यू अभी, अच्छा इस पे आने के पहले ये सोचो, यहां से लेके है ना ये वाला 2 का 1 कहां तक रहेगा सर? 1 तब तक रहेगा, आखिरी कब तक रहेगा? जैसे 2 by 3 है तो तुमने देखा ये 1 कब आएगा, जब इसमें 1 by 3 ऐड किया जाएगा तब आएगा. अच्छा ये 2 कब आएगा? जब इसमें 4 by 3 ऐड किया जाएगा. तो 4 by 3 कब होगा भाई? तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा 132 by 99 तक. लेकिन नहीं है सर, तो अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं आगे का. ठीक है, आगे का नहीं सोचना है. तो यहां से लेकर के लास्ट तक का जो भी टर्म रहेगा 2 by 3 से लेके 98 by 99 तक, ये सब 1 आएगा. ठीक है, तो सर ये 0 0 0 ये वाला पहला 1 आएगा, फर्स्ट 1 ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा. उसके बाद आगे का सब टर्म 1 आएगा, 1 plus 1 plus 1 एंड सो ऑन. कितने टर्म्स आएंगे अब यहाँ पे काउंट करना है आपको. ठीक है, ये आपको काउंट करना होगा. तो सर पहला 1 आया जब 33 था. ठीक है, और लास्ट कितना है? 98 पे 1 है. ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे भाई? मतलब माइनस कर लीजिए ना यार आप. ठीक है, माइनस कर लीजिए आप 33 के पहले. भाई साहब कितने गए सर? 33 के पहले कितने गए सर? 32 गए. तो 98 minus 32 कर लीजिए आप. ठीक है, मतलब कितना बचेगा? 66 बचेगा. करेक्ट ना? यहां से लेके 133 से लेके 98, तो 33 से लेके 98 66 नंबर आते हैं. कोई सोच रहा होगा 98 minus 33 कर लिया सर, ये तो 65 आना चाहिए. अगर जिसने ऐसा किया होगा ना, जिसने ऐसा किया होगा और जिसने डी मारा होगा ना भाई, कॉन्फिडेंस के साथ गलत कर गया है लड़का. ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ गलत कर गया है. कॉन्फिडेंस का कोई जवाब ही नहीं है इसका. ठीक है, इसके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपको एक रेंज फाइंड आउट करना था ना बेटा, जैसे 5 to 10 है तो इसमें टोटल 6 नंबर आते हैं, 10 minus 5 plus 1. ये तो कॉमन चीज है यार, क्या बताऊं अभी मैं तुमको. ओके, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए. इनवर्स फाइंड आउट करना है सर. इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है यार? इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? देखो इनवर्स फाइंड आउट करना सिंपल है, इनवर्स फाइंड आउट करना सिंपल है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अरे जस्ट y को x के टर्म में और x को y के टर्म में लिख लो, इनवर्स हो जाता है वो. ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा है. ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया एक फंक्शन y इक्वल्स टू x स्क्वायर सपोज. ठीक है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बोला, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो. तो आप x को y के टर्म में लिख लीजिए, रूट वाई हो जाएगा. तो इसका इनवर्स हो गया, f इनवर्स x क्या हो जाएगा भाई? रूट x हो जाएगा. सर यहाँ पे कैसे करेंगे ये? तो इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे सिंपल नहीं है इतना. सही बात है, इतना सिंपल नहीं है. कैसे किया जाएगा? y इज इक्वल टू सर 10 to the power x plus 10 to the power minus 6, 10 to the power x and plus 10 to the power minus 6. और यहाँ पे आपने लिखने में मिस्टेक किया है थोड़ा सा, उसको करेक्ट कर लीजिए. ये बेटा प्लस नहीं है यहाँ पे सर, माइनस है. हाउ टू सॉल्व? चलो कैसे किया जाए सर इसको, कैसे किया जाए सर? करेंगे ना कुछ तो करेंगे, डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, 10 raised to minus x से डिवाइड कर लीजिए. तो 10 raised to minus x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 10 raised to 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 10 raised to 2x and +1 हो जाएगा. ठीक है, तो भाई साहब ये हो जाएगा 10y into 10 to the power 2x minus 1 and equals to 10 to the power 2x minus 1. अच्छा ये +1 हो जाएगा, तो 10 to the power 2x plus y लिख लो भाई यहाँ पे, प्लस y हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 10 to the power 2x minus 1 होगा. ठीक है, तो सर क्या करना है आगे? एक्सक्यूज मी, आगे क्या करना है सर? आगे करना है क्या सर? 10 to the power 2x ना बेटा कॉमन ले लीजिए, x वाले टर्म्स को सेपरेट कर लो. तो ये हो जाएगा तुम्हारा y minus 1 and equals to हो जाएगा y minus of y plus 1. ठीक है, सो 10 to the power 2x हो जाएगा y plus 1 and upon y minus 1. आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये तुमने लिखा टेन टू द पावर टू एक्स को लिखा वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। भाई अब दोनों साइड पे ना लॉग ले लो यार, लॉग ले लो, लॉग बेस में टेन ले रख लो, ठीक है, तो टेन टू द पावर टू एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ टेन बेस रहेगा बेटा, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई लिखेंगे आप इसको, करेक्ट है। सो सर यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें ऐसी होगी तो ये टू एक्स कहाँ आएगा, टू एक्स सर इधर आएगा, तो टू एक्स का वैल्यू क्या बचेगा, मतलब और लॉग ऑफ टेन टू द बेस टेन तो सर वन हो जाएगा, तो टू एक्स का वैल्यू बचेगा बच्चे तुम्हारे पास वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, मन जी क्या है सर, मन जी एक्स की वैल्यू का है, लिख गया एक्स की वैल्यू वन बाय टू एंड इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। और ये क्या होता है सर, ये तो एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है, फंक्शन में पढ़ाया गया था, तो एफ इनवर्स वाई ये है, तो सर एफ ऑफ इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या, है ना, लॉग ऑफ जस्ट आप वेरिएबल चेंज कर लीजिए, ठीक है, दैट्स द आंसर। चेक करो बेटा ऐसा है क्या भाई, हाफ लॉग वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, हाफ लॉग वन प्लस एक्स सर है ना, बी वाला दिख रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, मैं हूँ भाई मैं हूँ, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, है ना। बाकी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी, है ना, इनवर्स फाइंड आउट करना वगैरह सब बहुत सारा है, बट आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, एंड कल हम लोग लिमिट्स के साथ स्टार्ट करूँ मैं सोच रहा हूँ, या फिर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक दो लेक्चर लेके देख लूँ, क्योंकि अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का अगर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहे बच्चे, देन आई नीड टू स्टॉप द लेक्चर्स। एंड मैं एक्चुअली ये सब सिर्फ ये मैं अपने चैनल को रीच के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब मेरा चैनल का बढ़े ऐसा वैसा वो सब नहीं है, बच्चों का बेनिफिट हो यार अल्टीमेटली, मेरे को चैनल ग्रो करके यहाँ पे कमाई वमाई नहीं करना है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा भाई, जस्ट बच्चों का बेनिफिट हो इसलिए किया जा रहा है, अगर इसमें भी नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करूँ मैं, क्यों करूँ मैं, मतलब किसके लिए करूँ मैं, और क्या होता है बाद में कौन देख रहा है क्या देख रहा है, एक मिनट देख रहा है आधा मिनट देख रहा है, तो उसमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें मजा नहीं आता, मतलब पढ़ा के कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो और इज्जत निकाल रहे हो अपना टीचर की इज्जत गजब का इज्जत निकालते हो, मतलब अपनी इच्छा अनुसार बेइज्जती करते हो तुम, आए पांच मिनट या पांच सेकंड देखे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया डिसलाइक करके चले गए, अरे भाई तू काय को डिसलाइक कर रहे हो तुम, अरे वो कमेंट बॉक्स में लिख दो यार कि कहां पे तुम्हें प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो ये चीज ना बेकार लगता है, ये बहुत गंदा लगता है कि भाई अगर एक्सप्लेन की जा रही चीजें और बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और उस चीज को पांच सेकंड दस सेकंड में देख लेते हैं चले जाते हैं, सो देर इज नो पॉइंट, मतलब मेरे को चैनल डेवलप करना ग्रो करना सिर्फ ये टारगेट मेरा नहीं है कभी भी, मेरा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, अरे चैनल का क्या, चैनल तो भाई दस ऐसे होम बनेंगे दस जाएंगे आएंगे, ठीक है, कुछ नहीं है, बट डेवलपमेंट होना चाहिए ओवरऑल, और किया जा रहा है यार, कुछ चीजें यहाँ पे आपको गलत नहीं पढ़ाई जा रही है, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो कि भाई ऐसे ही मतलब आउट ऑफ द मींस आपका आउट ऑफ द सिलेबस चीजें डिस्कस की जा रही है, सो क्या करने का समझ में नहीं आता लिटरली, मैं आई एम लाइक क्या करो अभी, सो देखो भाई देखते हैं ट्वेल्थ का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं अभी फिलहाल, हम लोग जो अगला टॉपिक है हम लोगों का लिमिट्स है और कॉन्टिन्यूटी है, इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं और ट्वेल्थ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्वेल्थ के पोर्शन के लिए कितने लोग आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे फिर डिसाइड करेंगे, और मतलब एक्चुअली ये सीईटी का लेक्चर लेना मतलब इट्स वेरी लाइक मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, और उससे सब फिर बेहतर है मैं जेई के लिए कंटेंट थोड़ा थोड़ा डालता रहूँगा, जो बच्चे जेई के लिए देखते हैं ऑल ओवर द इंडिया, सीईटी की अगर बात करूँ तो मतलब एक फिक्स क्राउड है, अब उसमें भी वो क्राउड पता नहीं मतलब यहाँ पे, हालांकि नंबर ऑफ काउंट वैसे करेंगे तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन स्टिल अभी जैसे बोला ना कुछ बच्चों की तो इच्छा ही नहीं होती है, मतलब उनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, वो बस एक भाई क्या आत्मा उनकी भटकती रहती है खाली इधर उधर, ठीक है, उनका कोई एम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं उनको बेसिकली, ठीक है, सो ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनको कुछ करना नहीं है, और जो करने वाले बच्चे हैं वो खुद से कर रहे हैं शायद, ठीक है, तो मतलब ये चीज है, जाने दीजिए देखते हैं अभी, अभी ट्वेल्थ का हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कल से, हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक नहीं कराऊंगा पहले, पहले पार्ट टू स्टार्ट करूंगा, पार्ट टू एक बार हो जाए फिर पार्ट वन के ऊपर आएंगे, ठीक है, पार्ट टू पहले लिया जाएगा, डिफरेंशिएशन के साथ शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज द फर्स्ट टॉपिक, तो डिफरेंशिएशन पहला होगा, उसके बाद एप्लीकेशन, मैं पूरा का पूरा पहले कैलकुलस हम लोग फिनिश करने वाले हैं,
पहले प्लान तो था 11th का ले लेंगे पूरा, बट नहीं बस एक चेंज करके देख रहे हैं 11th का। अभी जो बाकी के टॉपिक रहेंगे ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, लोग आएंगे तो फिर उसको भी कवर अप किया जाएगा, ठीक है? ओके वो भी किया जाएगा कवर अप, तो कोई भी चीजें नहीं छूटेगी यहाँ पे, छूटेगी एक भी चीजें नहीं। जस्ट हाँ, जिस चीज का मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर वो बच्चे आए यहाँ पे तो बेहतर होगा यार, पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा और ज्यादा टाइम दे पाऊंगा मैं। और इनफैक्ट सही बता रहा हूँ, मतलब ये जो टाइम अभी यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, बिकॉज माई लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 8 o'clock, 8 o'clock से लेके कॉन्टिन्यूसली लेक्चर रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। सो ये तुम लोगों का लास्ट लेक्चर रहता है और ये खुद की इच्छा से करता हूँ। सो अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स आई विल डू ऑल द थिंग्स। चलो फिर स्टॉप करते हैं आज का डिस्कशन, यहाँ पे हम लोग मिलेंगे कल पार्ट टू है ना, 12th स्टैंडर्ड के पार्ट टू के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट सो एवरीवन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।